हेलो एवरीवन नमस्कार आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में मैं ललित यादव अपनी धुआंधार रिवीजन सीरीज लेकर के आपके सबके सामने हाजिर हूँ थोड़ा सा त्यौहार का समय था और थोड़ा सा पटाखों की और बाकी म्यूजिक की आवाज़ आसपास बहुत ज़्यादा थी उस चक्कर में पिछले दो दिन से जो है क्लास लेट हो रही है उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि आस इतना ज़्यादा शोर शराबा था इतना ज़्यादा आवाज़ थी और धार्मिक पर्व है तो धार्मिक पर्व के ऊपर हमें अपने धार्मिक रीति रिवाजों को जो आसपास के लोग जो उनको मानते हैं परिवार के लोग जो मानते हैं तो उनका सम्मान करते हुए हमें भी धैर्य रख करके काम करना पड़ता है तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ कोई नहीं आप सबको दशहरा की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं हालांकि हम रात में ही राष्ट्रपति वाले चैप्टर में एक बार पहले भी आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं दे चुके थे आप सबका वेलकम है स्वागत है एकदम हाई जोश के साथ आज हम पार्लियामेंट के ऊपर चर्चा करेंगे संसद के ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा सबसे जटिल और सबसे बोरिंग जिसको आप लोग कहते हैं और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो वाला चैप्टर है ठीक है तो यानी कि आप कुछ भी कह लीजिए इस चैप्टर से आप बच नहीं सकते हैं और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जो हैं प्री और मेंस दोनों में ही आते हैं तो इसको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से मेन मेन की पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस कर लें साढ़े चार से पांच घंटा चार से पांच घंटे के बीच में यह क्लास रहेगी मैक्सिमम इतने में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे को कंप्लीट कर दूं अगर आपको इसके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ना है बहुत विस्तार से केस स्टडी के तौर पर पढ़ना है तो वो भी मैंने यूट्यूब पर करा दिया है पार्लियामेंट के ऊपर ऑलमोस्ट लगभग चौबीस घंटे की क्लास है जिसमें चौबीस घंटे में केवल एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है पार्लियामेंट तो यूट्यूब पर आप वो जाकर के देख सकते हैं लेकिन यहां से भी देखेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और रिविजन भी आपका बढ़िया से हो जाएगा चलिए तो एकदम स्टार्ट करते हैं जो मेरे दोस्त मेरे को नहीं जानते मैं एक बार अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा क्योंकि काफी टाइम हो गया आप लोगों के साथ जुड़े हुए तो बहुत सारे जो नए दोस्त जुड़े वो शायद मेरे बारे में नहीं जाने मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एम किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं यानी अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं बीएड एड किया है सीटेट टेट क्वालिफाई है एमफिल किया है फिल में भी गोल, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं पीएचडी अभी चल रही है ऑलमोस्ट डन होने वाली है थोड़े दिनों में डॉक्टर ललित यादव हो जाएंगे जे आर लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से आपको अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना यहां पर सारी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस की ठीक है सारी एनसीआर अवेलेबल है सारी बुक्स अवेलेबल है सारे नोट्स हैं सारी योजना कुरुक्षेत्र और प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन होती है वो यहां पर मैंने अपलोड कर रखी है फ्री में कोई पैसा नहीं है फ्री में डाली हुई है आप जाइए डाउनलोड कीजिए पढ़िए हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है दोनों लैंग्वेज में है नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला फिर से बोलता हूं अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला बाकी अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्योंकि रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है पिछले दो साल से तो मैक्सिमम टॉपर्स जो अन अकेडमी के एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स थे जो हमसे पढ़े हुए थे जो जिन्होंने एग्जाम पास किया तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं हम पूरे सभी टीचर्स की पूरी टीम मिलकर आप के आपके लिए क्लासेस लेती है आपको जब भी आप अनकेडमी का कोर्स लेने जाए तो कोशिश करना कि दो या तीन साल का कोर्स लेना वही बेनिफिशियल है अन का ऐप जब डाउनलोड करेंगे ना तो यहां पर ऐसे कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा चौबीस महीना छत्तीस महीना अट्ठारह महीना चौबीस और छत्तीस महीने ही सबसे बेस्ट है उसमें क्योंकि कोर्स पूरा होने के साथ रिवीजन भी हो जाता है इसमें मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूं जब भी आप कोर्स लेंगे ना तो यहां पर एक कोड लगाना पड़ता है यहां पर आपको अप्लाई करना है एल वाई एल आई वीई ये कोड याद कर लीजिए सभी लोग एल वाई एल आई वीडियो में डिस्काउंट हो जाएगा एल वाई एल आई वीई जैसे इस कोड को लगाएंगे तो आपको फीस में डिस्काउंट होगा डिस्काउंट के साथ सारे टीचर्स की क्लास मिलेंगी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी कितनी भी बार देख सकते हो आईकोनिक में बुक्स भी मिल जाएंगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इस कोड को हम मैजिकल कोड क्यों बोलते हैं एल एल वाई आई वी ई इसको कोड टू सक्सेस कहा जाता है इसका रीजन है कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं वन वन ऑन गाइड करता हूं आपको एग्जाम पास होने तक गाइड करूंगा कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएंगे ठीक है इस चीज का ध्यान रखना हमेशा आपके साथ रेगुलर बने रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होते ही है एक टीचर की गाइडेंस जो आपको वन ऑन वन गाइड कर सके कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे ठीक है एग्जाम पास होने तक आपको गाइड करेंगे इस चीज को ध्यान रखना है तो यह एलवाई लाइव रेफरल कोड लगाना मेरी टीम को बताना बाकी मेरी टीम से बात करनी है मेरे से बात करनी है सब्सक्रिप्शन से पहले तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला इस कोड से कोई भी कोर्स ले सकते हो किसी भी एग्जाम का कोर्स ले सकते हो यूपीएससी पीसीएस नेट नीट जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहो सब ले सकते हो कोड यही लगाना है आपको गाइड करेंगे वन ऑन वन आप टेलीग्राम चैनल पर देखना सबको मैं गाइड करता हूं आईकोनिक में आप डायरेक्ट बोल करके सवाल पूछ सकते हैं क्लास में आपको बुक्स मिल जाती हैं सारी की सारी मेन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है एक और हेल्प मैं कर सकता हूं इस चीज को ध्यान से समझिए फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस है अपनी लाइफ में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं देखिए मैं क्या कर सकता हूं अगर आप सीरियस हैं पढ़ना चाहते हैं तो अनएकेडमी पर मैं आपको सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं आपकी पूरी फीस मैं एजुकेशन लोन के थ्रू भरवा करके आपका एडमिशन करा सकता हूं उसके लिए गारंटी होती है वो गारंटी मैं लूंगा मेरी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिलवा दूंगा ठीक है आपको बस पैन कार्ड आधार कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट तीन चीज देनी है गारंटी मैं लूंगा मेरी गारंटी पर पूरी फीस भरवा देंगे एडमिशन आपका हो जाएगा अब आपको जो फीस भरी गई है वो महीना महीना करके वापस लौटानी पड़ेगी उस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है कोई कोई ब्याज नहीं नहीं लगता कोई हिडन चार्ज नहीं, कुछ नहीं एक दिन के अंदर अंदर ये सारा काम प्रोसेस हो जाएगा ठीक है और उसमें भी जितनी भी हमसे हेल्प हो पाएगी वो पूरी हेल्प हमारी तरफ से की जाएगी मेन चीज है आपकी फीस के कि आपको वो एजुकेशन लोन मिले वो मैं दिलवा दूंगा मेरी गारंटी पर हो जाएगा आप कहीं पर भी ना मिल पाते हो कोई भी दिक्कत होती हो आप बस डायरेक्ट हमारी टीम से संपर्क करना मैं दिलाऊंगा मेरी गारंटी पर करा करके दूंगा लेकिन उसके लिए ध्यान रखना है यही रेफरल कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा एल वाई एल आई वी इस कोड को अप्लाई करना है इसी कोड से मैं अपनी आपकी सिक्योरिटी गारंटी ले पाऊंगा और आपको मैं गाइड भी करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइड पर्सनली गाइड भी करूंगा इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए टेलीग्राम चैनल फिर से ज्वाइन कर लिए फिर से बोलता हूं टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अकेडमी ललित यादव की पाठशाला फिर से बोलता हूं की मेरी टीम का नंबर है उनसे बात तो उनको बताना मेरे से भी आपकी बात करवा देंगे चलिए बैच हर हफ्ते नए शुरू होते हैं टेस्ट सीरीज बुक्स आप सब ज्वाइन कर सकते हैं चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट का चैप्टर संसद ठीक है तो स्टार्ट होने से पहले आप सबको एक बार फिर से आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं है। हैप्पी दशहरा आप सभी को बुराई पर अच्छाई के जीत के इस पर्व को आप भी उसी खुशी के साथ मनाएं आपके लिए बुराई पर अच्छाई जीत का अच्छाई की जीत का मतलब ये रहेगा कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें जैसे आप अपने आलस्य को छोड़ दें आप अपना चीजों से दूर डर करके भागने की आदत को छोड़ दें कल के ऊपर करने वाली चीजों को छोड़ दें कि कल करेंगे बाद में करेंगे नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दें ये आपकी विजय होगी अपने पर विश्वास रखें अपने पर भरोसा रखें बिलीव रखें आगे बढ़ते चलें और बाकी सभी चीजों समस्याओं को अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते हुए यह समझें कि लाइफ में समस्याएं आती हैं जिंदगी का पार्ट है मेरे को बस उससे लड़ते हुए चले जाना है अगर मैं लड़ता हुआ चला जाऊंगा या मैं लड़ती हुई चली जाऊंगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे को अपने लक्ष्य को पूरा करने से रोक सके ये आपकी जीत होगी बुराई पर अच्छाई की जीत इसी के साथ हाउस द जोस एक जोश बताना कैसे है हाउस जोस, एक हाई सर का आंसर आना चाहिए हाई सर हाउस जोस, एक हाई सर का आंसर दीजिए फिर स्टार्ट करते चैप्टर को और लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए लाइक शेयर ठोकते चले जाओ इतने सारे लोग आते लाइक शेयर करने में बड़ी कंजूसी करते हो लाइक शेयर करते चले जाओ क्या बात है बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए तो संसद के ऊपर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले तो हम संसद की बात करते हैं तो संसद को जान लेते हैं कि संसद होती क्या है आपने एक बिल्डिंग देखी होगी कई बार न्यूज में आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि संसद में पेश किया गया किसान बिल राज्यसभा ने किसान बिल पर लगाई जताई आपत्ति लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ राष्ट्रपति ने जारी किया अध्यादेश लोकसभा में विशेषाधिकार हनन के मामले में पीठासीन अधिकारी ने किया दस सदस्यों को निलंबित दल बदल की आधार पर पीठासीन अधिकारी ने पांच सदस्यों की सदस्यता को किया समाप्त इस तरीके की खबरें सुनी होंगी आपने लगातार सुनी होंगी है ना प्रधानमंत्री ने दिया संसद में भाषण वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया बजट ये ऐसी ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सबने डेली लाइफ में डेली रूटीन में जरूर होंगी, और ये सारी की सारी संसद से रिलेटेड है तो मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि संसद जो है वो हमारे देश का हमारा विधायी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे संसद में ही निर्धारित होते हैं हम सरकार को तीन हिस्सों में बांटते हैं ना कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका तो संसद जो है इसी को ही हम बोलते हैं विधायिका लेजिस्लेचर कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर विधायिका क्या है तो विधायिका जो है वो संसदीय और संसद के तीन अंग होते हैं एक राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा ठीक है इस चीज को समझना ये हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं क्योंकि मैं मान करके चल रहा हूं बहुत सारे नए दोस्त भी आए होंगे तो ये तीनों मिलकर के संसद का गठन करते हैं राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते लेकिन संसद का अंग होते हैं ठीक है उसका एक भाग होते हैं इन तीनों को मिलाकर के भारत की संसद बनती है इसका रीजन यह है कि कोई भी काम किया जाता है तो राज्यसभा लोकसभा से पास होकर के राष्ट्रपति की अनुमति के माध्यम से वो चीजें स्वीकृत होती हैं अब लोकसभा को और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा जो है ना इसको बोला जाता है उच्च सदन उच्च सदन का मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ा सदन ठीक है ये एक आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है उच्च सदन ऊपरी सदन इसको कहा जाता है लेकिन वास्तविक शक्तियां इसके पास नहीं होती हैं लोकसभा जो है उसको हम बोलते हैं निचला सदन निम्न सदन लेकिन निम्न सदन का मतलब यहां पर यह मत समझ लेना कि वो पावरलेस है या उसमें कम शक्तियां हैं कमजोर है इसलिए उसको निम्न सदन बोला जाता है नहीं ऐसा नहीं है यही सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल जो सदन है भारत के अंदर तो लोकसभा ही है यहां पर ही सरकार बनती है यहां पर ही सरकार गिरती है प्रमुख मुद्दों पर हर चीज के मामलों में अधिकतर मामलों में आप देखोगे लोकसभा ही प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है ठीक है राज्यसभा में अगर हम बात करते हैं तो राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं बेसिकली इसका नाम इसीलिए पड़ा राज्यसभा कि 1954 में उन्नीस में इनको राज्यसभा और लोकसभा कहा जाने लगा नहीं तो उससे पहले राज्यों की परिषद और लोगों की सभा ये यूज किया जाता था भारत के संविधान में ठीक है भारत की जब भी हम इनकी बात करते हैं संसद की ये चीज जो बदलाव हुई 1954 के बाद से आप ये बदलाव देखने को मिलता है लोकसभा के अंदर सभी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होता है एक आम नागरिक एक आम वोटर वोट डालता है सांसद को चुनता है लोकसभा के और वो लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करता है यानी कि पूरे भारत के लोग जो हैं वो डायरेक्टली सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि को चुनाव वहां पर निर्वाचित करके भेजते हैं इसका मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वहां पर उनके प्रतिनिधि करते हैं राज्यसभा जो है एक तरीके का राज्यों को और जो संघ शासित प्रदेश है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके कि क्या क्या है और इन सबको देख लेते हैं देखिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का अंग नहीं है हम लिए। वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि संसद के जो दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक है ना वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे ठीक दे। है यानी कि साइन नहीं कर दे इसलिए अब केवल इतना ही नहीं रुको जरा सबर करो राष्ट्रपति को संसद का अंग केवल इसीलिए नहीं माना जाता कि वो साइन करता है तो बिल कानून बनता है इसके अलावा संसद से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य भी वो करता है अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो वो कार्य संभव नहीं है जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि दोनों सदनों की का जो सत्र है उस सत्र को आहूत करना सत्र बुलाना और जब सत्र समाप्त होता है तो उसका सत्रावसान करना यह कर बताना कि हाँ भाई अब ये सत्र समाप्त हो गया है संसद अब संसद की कोई बैठक नहीं होगी अब नई बैठक के जो है वो अगले सत्र में होंगी तो सत्र आहूत करना यानी कि बुलाना और उसको समाप्त करना ये दोनों कार्य जो है राष्ट्रपति के हैं वो करते हैं ठीक है सत्र आहूत और अवसान इसके साथ साथ भारत की जो सरकार जहां पर बनती है यानी कि लोकसभा उस लोकसभा को विघटित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है ये इसको विघटित कर सकता है विघटित करने की अलग अलग परिस्थितियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे बस अभी हम बस ये जान रहे हैं कि राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों कहलाता है क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है अध्यादेश मतलब समझिए कोई कानून बनाना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करके राष्ट्रपति का साइन करवाया जाता है तो वो कानून बन जाता है लेकिन क्या हो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्र में ना हो उनकी बैठक ही ना हो रही हो या लोकसभा की बैठक हो, हो? हो? हो, लोक हो रही हो राज्यसभा की ना हो रही हो या राज्यसभा की हो रही हो लोकसभा की सत्र में ना हो तो ऐसे में कानून कैसे बनाओगे मान लेते अभी अर्जेंट में बहुत जरूरी है कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई उस समस्या से निपटने के लिए हमें कानून बनाने की आवश्यकता है तो उसके लिए आप इंतजार तो नहीं कर सकते ना कि संसद की सत्र आएगा फिर उसमें बातचीत होगी बिल पेश किया जाएगा चर्चा विचर्चा की जाएगी फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन करने पहुंचेगा तब जाकर के बनाएंगे आपके लिए तो डेली रूटीन का काम करना जरूरी है और उसके लिए विधि कानून होना जरूरी है तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जो संसद के द्वारा पारित किए गए विधेयक हैं जो कानून होते हैं उन कानूनों के जैसी ही एक चीज जिसको बोलते हैं अध्यादेश ऑर्डिनेंस वो राष्ट्रपति जारी कर सकता है जब तक कि संसद का सत्र प्रारंभ नहीं हो जाता वो अध्यादेश के तहत ही वो सारे के सारे कार्य जो है होते रहेंगे ये चीज आपको समझते हुए चलना है ठीक है ये जारी कर सकता है इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक उनको बुलाना ठीक है उसके नियम तय करना ये सारे भी काम करता है अब चलिए हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा किस तरीके से बनती है और राज्यों का प्रतिनिधित्व तो किस तरीके से होता है मैं शायद पानी लाना भूल गया हूं एक मिनट दीजिए मैं पानी ले आता हूं आप लोग जरा एक बार लाइक शेयर कीजिए इसको सभी लोग जी तो हम बात कर रहे थे राज्यसभा की तो राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं ठीक है सबसे पहले बात करते राज्यसभा की राज्यसभा जो है राज्य राज्य एक स्थायी सदन होता है परमानेंट हाउस होता है जो कभी भी विघटित नहीं होता है इसके अंदर अगर हम कुल सदस्यता की बात करें तो कुल सदस्य जो अधिकतम हो सकते हैं जो मैक्सिमम जो अधिकतम हो सकते हैं उनकी संख्या जो है वो ढाई हो सकती है ढाई सदस्य अधिकतम हो सकते हैं मैक्सिमम ये लिमिट है अब इनमें से 12 सदस्य जो है ना वो नामांकित होते हैं 12 सदस्य जो हैं वो नामांकित होते हैं 12 मेंबर्स जिनको राष्ट्रपति जो है यहां पर नामांकित करते हैं राष्ट्रपति जो है वो इनको नामांकित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से कला है ना आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे सारे के सारे कि ये चार क्षेत्र कौन कौन से हैं जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट बताएंगे कौन कौन से हैं कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए इनको राष्ट्रपति नामांकित करते हैं बाकी के जो सदस्य हैं उनको अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है अब डायरेक्टली इलेक्शन कैसे होगा तो समझिए देखो इनको राज्यसभा क्यों बोला जाता है क्योंकि ये राज्यों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक सदन है इसमें आम तौर पर इसके चुनाव जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो राज्य है ना राज्य की जो विधानसभा होती है विधानसभा तो राज्य की विधानसभा और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इनकी विधानसभाएं, है। इनके जो निर्वाचित एमएलए होते हैं निर्वाचित एमएलए यानी कि विधायक साहब ये लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर हम इनको निर्वाचित इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप हम कोई भी डायरेक्ट इसके अंदर वोट नहीं डालते हैं इनके लिए वोटिंग होती है

फिर मैंने उनसे पूछा कि उम्र बताओ कितनी है मैं कोई कह रहा है सर अट्ठारह के हुए हैं उन्नीस के हुए हैं बीस के हुए तो बेसिकली ये था कि उनको आइडिया नहीं था कि राज्यसभा के लिए इलेक्शन कैसे होते हैं आम तौर पर एक धारणा सी बनी हुई है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जैसे नॉर्मल चुनाव होते हैं आम चुनाव होते हैं वैसे इनके हो जाते होंगे लेकिन ऐसा नहीं है इसके लिए आप हम में से कोई भी चुनाव में वोट नहीं डालता इसके लिए आपको एमएलए होना पड़ेगा तो मैंने क्लास में बोला कि अच्छा तो हमारी क्लास में छह लोग एमएलए हैं ए छह लोग विधायक है क्या बात है है ना आप में से तो कोई ऐसा नहीं है ना जिसने राज्यसभा के लिए इलेक्शन में वोट डाला होगा कोई है आप में से जिसने राज्यसभा के लिए वोट डाला या आप में से भी कोई एमएलए हो।, हो सकता है कि कोई विधायक का चुनाव लड़ा हो खुद ना भी लड़ा हो लेकिन आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई जरूर होगा और आप लोगों ने उसका बहुत ज्यादा कई बार दाएं बाएं उसका प्रयोग भी किया होगा पुलिस जब आपको पकड़ लेती है चलान करने लग जाती है ठीक है किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तब प्रयोग करते ना जानता नहीं कौन हूं विधायक के गांव का हूं विधायक हमारे पड़ोस में रहता था मेरे पापा का चड्डी वड्डी है मेरे पापा और वो दोनों एक साथ चड्डी में खेलते थे मेरे से अभी बात करा तो पुलिस को कहेगा चलान खत्म करो चलान मेरा है ना तो देखिए क्या होता है कि ये जो विधायक है इन विधायकों को कौन चुनता है इनको एक आम नागरिक चुनता है आम नागरिक भारत का जो आम वोटर है वो वोट डालकर के विधायकों को चुनेगा और जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा है वो सब मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं वोट डाल करके इलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते इनडायरेक्ट तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए जैसे आपने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में देखा कि दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी इनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है जम्मू कश्मीर के लिए अभी तक संविधान संशोधन नहीं हुआ है लेकिन अगर हम इनकी बात करते राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की तो इसमें दिल्ली भी आएगा ठीक है पुदुचेरी भी आएगा और जम्मू एंड कश्मीर ये भी आएगा इन तीनों को ही यहां पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है अभी हालांकि जम्मू कश्मीर में क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन हुए नहीं है तो उसकी तरफ से सदस्य जो है आने बाकी रहेंगे लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यह चीज तो हो गई इनकी सदस्य संख्या कितनी है कैसे ये सदस्य चुने जाते हैं किस तरीके से होते हैं ठीक है संसद का गठन ये आपने देख लिया अब इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यसभा के बारे में ये मुख्य प्रावधान कहां पे है किस राज्य से कितनी सीट रहेंगी और किस आधार पर वो सीटें निर्धारित होंगी तो इसका आधार भी जनसंख्या है जनसंख्या के बेस पर ही राज्यों को सीटें दी गई हैं संविधान में एक अनुसूची है उस अनुसूची को हम बोलते हैं चौथी अनुसूची ठीक है अनुसूची चार इसमें वर्णन किया गया है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है कि किस किस राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी जो बड़े राज्य हैं उनके पास ज्यादा सीटें हैं जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आपको इकतीस सीटें मिल जाएंगी जो छोटे राज्य हैं उनके पास एक एक सीटें भी हैं ठीक है थीके? तो जनसंख्या के आधार पर वितरित की गई है इस मामले में हम अमेरिका से अलग हैं। इस मामले में हम अमेरिका से अलग हैं अलग कैसे हैं कि अमेरिका का जो ऊपरी सदन है इसका जो ऊपरी सदन है जो उच्च जिसको उच्च सदन को जिसको सीनेट बोलते हैं उस सीनेट में जिसमें कि राज्यों का प्रतिनिधित्व तो है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है उसमें हर राज्य को बराबर का दर्जा दिया गया है ठीक है उसमें हर राज्य को दो सीट मिली है ठीक है हर राज्य को दो सीट मिली है यानी कि सौ सीट उनके पास है पचास उनके राज्य हैं ठीक है जी किसी के साथ इस दर्जे इस आधार पर भेदभाव नहीं किया गया कि कोई राज्य बहुत बड़ा है कोई राज्य बहुत छोटा है कोई राज्य बहुत अमीर है कोई राज्य इतना अमीर नहीं है इस तरीके का कोई विभेद वहां पर रखा नहीं गया है हर राज्य को इक्वल राइट बराबर अधिकार दिए गए हैं भारत में इस तरीके की बराबरी का अधिकार नहीं है भारत में जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है हमारी परिस्थितियां अमेरिका से थोड़ा सा अलग है अमेरिका में अब आप कहोगे सर वहां पर इक्वल इक्वल दे दिया वो तो बढ़िया है तो वहां का इक्वल देने के पीछे का कारण क्या था उसको समझिए वहां पर उनकी मजबूरी थी क्योंकि अमेरिका में जो ये राज्य देखते हैं ना आप ये राज्य नहीं ये क्या होते ये छोटे छोटे देश थे ये छोटे छोटे देश थे और इन कमजोर देश थे कोई भी हमला करता कब्जा कर लेता तो ऐसे में इन्हों, इन्होंने क्या सोचा कि हम एक संघ बना लेते हैं एकजुट हो जाते हैं ताकि हम एक बड़ा देश बन जाए और कोई हम पर हमला ना कर पाए तो जब छोटे छोटे देश एकजुट होकर के जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक समझौता साइन करके समझौते के तहत एक देश बनाया तो उन सबके मन में यह तो था कि कहीं हम इस देश का हिस्सा बनेंगे तो हमारे साथ भेदभाव तो नहीं होगा कहीं बड़ा देश या वो हम पर कब्जा तो नहीं कर लेगा कहीं वो हमारा अधिकार तो नहीं छीन लेगा इसलिए उसमें निर्धारित किया गया कि सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे सभी लोग मिलो तो सही एकजुट हो तो सही अधिकार सबको बराबर रहेंगे इसीलिए वहां पर सभी राज्यों को जो पहले देश होते थे वो राज्य का दर्जा बाद में मिला उनको वो राज्य बन गए ठीक है तो उनको इक्वल सीटें मिली लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तर प्रदेश अलग देश था कि केरल एक अलग देश था नहीं वो तो भारत का अभिन्न हिस्सा थे वो तो हमने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए और अन्य चीजों को ध्यान ध्यान में रखते हमारी डायवर्सिटी को ध्यान में रखते रखते हुए हुए हमारी डाइवर्सिटी को हमने राज्यों का निर्माण किया था इसलिए हमने जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में दिया है ये एक कॉन्सेप्ट जो था वो मैं आपको समझाना चाह रहा था यहां से क्लियर होगी अब राज्यों का प्रतिनिधित्व तो देख लीजिए राज्यों के प्रतिनिधित्व इसमें वही लिखा है कि निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं यह चीज इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से समझ लेना है पहले चीज ठीक है जनसंख्या के आधार पर उनका बंटवारा किया जाता है अलग अलग संख्या होती है राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में इकतीस है त्रिपुरा में एक है यह मैंने आपको समझा दिया है अमेरिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर नहीं है यह मैंने आपको पढ़ा दिया एक टेक्निकल लैंग्वेज है मैंने आपको एक साधारण आसान भाषा में इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी वो जो है समझा दिया यह इंपॉर्टेंट लाइंस हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक अपने सामने रखिए देखिए संसद का जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है जो जो लाइन मैंने यहां पर लाई है यही इंपॉर्टेंट है इनको हाईलाइट कर लेना यही आपके नोट्स हो गए चैप्टर के साथ साथ आपके नोट्स बनते चले जाएंगे बुक में लगभग 38 पेज की है जब आप नोट्स को हाईलाइट करके लिखेंगे तो सात छह सात पेज में आपके सारा का सारा संसद का काम हो जाएगा ठीक है जी चलिए यूनियन टेरिटरी में दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व है कई बार यह सवाल आ चुका है आपसे एक लाइन दे दी जाएगी कि भारत में संसद के अंदर भारत में दो चीजों को समझना राज्यसभा को लेकर के सवाल आएगा कि राज्यसभा में सभी राज्यों को तो प्रतिनिधित्व है लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व नहीं है स्टेटमेंट दे दी जाएगी ठीक है इसमें आप कल कई लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे तो इसमें कहने का मतलब यह है कि सब राज्यों को मिला हुआ है लेकिन जितने यूनियन टेरिटरी उनमें से सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है तो स्टेटमेंट ठीक रहेगी क्योंकि केवल तीन के पास रिप्रेजेंटेशन है ठीक है आठ यूनियन टेरिटरी है तीन के पास है कई बार यह सवाल आपके पास आ जाएगा कि भारत की राज्यसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी ठीक है तो इन चीजों के ऊपर फोकस करते हुए चलना है केवल दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में है अब नाम निर्देशित सदस्य की बात कर लेते हैं तो बारह सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और इनका नाम आपको याद रखना है कला दूसरा साहित्य तीसरा विज्ञान और चौथा समाज सेवा इन चार क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले या व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को राज्यसभा में नामांकित किया गया अब आप यहां पर फोटो देखोगे आप फोटो देख करते हैं, हैं। राज्यसभा में बॉलीवुड के कई सारे नामचीन लोगों को नामांकित किया जाता है आपने हेमा मालिनी का नाम सुना होगा आपने और भी कई सारे लोगों का नाम सुना होगा कई सारे ऐसे नामचीन व्यक्ति जो इन चीजों से जुड़े हुए थे और वो यहां पर आए ठीक है तो वो बेसिकली आप कहोगे सर हेमा मालिनी को या बॉलीवुड के कलाकारों को यहां पर ला करके क्या करना है है ना तो उसका रीजन है उसका रीजन ये होता है कि इनको अपने क्षेत्र में अपने विषय के का अनुभव बहुत ज्यादा होता है एक स्पेशलाइज एक एक्सपीरियंस एक होता है तो किसी भी मामले पर किसी भी मुद्दे पर ये अपनी विशेषज्ञ सलाह वहां पर दे सकते हैं जिससे कि चीजों को करने में किसी विधेयक को और मजबूत बनाने में और नीति को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है हाँ हालांकि वो अलग बात है कि हाल फिलहाल में ऐसा देखा जाता है हमारे एक सांसद हैं हमारे एक जान पहचान में तो वो बताते हैं कि भाई जितने भी ये जो नामांकित सदस्य हैं इनमें से मैक्सिमम में से जो अधिकतर लोग हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं राज्यसभा की सिटी बैठक में बहुत गैप कर करके आते हैं क्योंकि ये अपने कार्य क्षेत्र में अपने फील्ड में भी व्यस्त हैं तो रा, राज्यसभा में कम आ पाते हैं और जब भी ये राज्यसभा में आते हैं तो जितने भी सांसद हैं हेमा मालिनी का उन्होंने उदाहरण दिया था कि हेमा मालिनी जी जब आती थी तो जितने भी सांसद थे चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों वो सारी आपसी मन मुटाव भुला करके हेमा मालिनी जी के पास जाते ठीक है या दूसरे जो भी टीवी स्टी, स्टार्स होते और उनके पास जाकर के सेल्फी लेकर आते वो सेल्फी लेने में जो गर्व महसूस होता था उनको वो दिखाया जाता था तो बेसिकली जैसे आपने सचिन का नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर ठीक है वो भी राज्यसभा के मेंबर रहे अब आप कहोगे सचिन तेंदुलकर कैसे आ सकते हैं यहां पर खेल तो है ही नहीं यहां पर तो कला दे रखा है साहित्य दे रखा है विज्ञान दे रखा है समाज सेवा दे रखा है इसमें सचिन कहां से आ गए कैसे फिट बैठ गए कई सारी नियुक्तियों में आपको लगता होगा कि यार ये व्यक्ति तो कैसे फिट बैठ सकता है तो उसका रीजन समझिए वो बहुत बड़े समाज सेवक होते हैं आपको पता नहीं है कि उनके कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जिसमें वो लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की फंडिंग देते हैं डोनेट कर देते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों की हेल्प के लिए मदद करने के लिए तो वो उससे बड़ी समाज सेवा क्या रहेगी है ना तो वहां से वो लोग इधर आ जाते हैं तो अगर सोचिए अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई जा रही है खेल से संबंधित कोई नीति बनाई जा रही है उससे संबंधित कोई विधेयक आया है राज्यसभा में और ऐसे में सचिन तेंदुलकर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो वो कोई स्पेशलाइज विशेषज्ञ चीजें बताएंगे ना उनको पता होगी कि खिलाड़ियों की क्या समस्या रही है भारत में अभी तक स्पोर्ट्स जो है वो ग्रोथ करने में क्यों इतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे उसके लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं कमियां क्या है तो व्यवहारिक अनुभव उनका वहां पर यूज हो सकता है उस यूज के लिए इनको नामांकित नॉमिनेट यहां पर किया जाता है बारह सदस्यों को एक और चीज है पहले लोकसभा में भी होते थे लेकिन अब उनको लोकसभा वाला समाप्त हो गया उसको हम लोकसभा में देखेंगे राज्यसभा की संरचना आपने देख ली अधिकतम ढाई सौ मेंबर ये हम सब ने चौथी अनुसूची में इनके सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है अब आ जाते हैं भाई लोकसभा के अंदर ठीक है लोगों का सदन सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करने वाला कोई सदन है वो होता है लोकसभा अब लोकसभा की अधिकतम संख्या पांच निर्धारित की गई है इसको लेकर के काफी लोगों में कंफ्यूजन होगा इसको बड़े ध्यान से समझना मैं कोशिश करता हूं कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए देखिए आप हमारे संविधान में अभी अभी एक संविधान का संशोधन हुआ जिसको हम बोलते एक संविधान संशोधन ठीक है वन जीरो अमेंडमेंट ठीक है इस संशोधन से क्या किया गया कि जो एंग्लो इंडियंस का लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को नामांकित करने का इनको नामांकित करने का वो जो था राइट था राष्ट्रपति के पास ठीक है इनको नामांकित करते थे कौन राष्ट्रपति करते थे यह अधिकार दिया गया था राष्ट्रपति को कि दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे एक सौ संशोधन हुआ 2020 के अंदर जनवरी 2020 में और उसमें एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया आगे नहीं बढ़ाया गया हमारे संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को प्रारंभ के 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया था विधानसभा और लोकसभा और उस आरक्षण को हर 10 10 साल कर करके संविधान संशोधन के, के माध्यम से बढ़ाता गया एक सौ संविधान संशोधन के माध्यम से यही हुआ था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं का जो रिजर्वेशन है तो उसको बेसिकली 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक लेकिन जो नॉमिनेट मेंबर्स थे नामांकित एंग्लो इंडियंस इनका प्रावधान जो है ये अब समाप्त कर दिया गया इनको यहां से क्या कर दिया गया कि इनको अब रखा नहीं गया कि अब ये नॉमिनेशन नहीं होंगे इसका रीजन क्या था रीजन समझिए इसका कारण क्या था आप कहोगे सर क्यों किया गया इसका कारण ये था कि भारत के अंदर एंग्लो इंडियंस की संख्या बहुत कम रह गई है कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत के जो नागरिक हैं उनमें से लगभग ढाई के आसपास है ना ढाई से भी कम एंग्लो इंडियंस होंगे अब ढाई में से सत्तर अस्सी तो ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर के रह रहे हैं अलग अलग देशों में रहते हैं भारत में है भी नहीं तो भारत के अंदर लगभग 200 के आसपास एंग्लो इंडियंस रहते हैं इतने बड़े भारत में सवा सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत के अंदर केवल ढाई सौ लोगों में से दो सीटें दे देना एक तरीके से कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ अन्याय प्रतीत होता था कि कहीं तो एक सीट के ऊपर 10-10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट मिल रही है और कहीं केवल ढाई सौ लोगों में दो सीट दी जा रही है तो यह तो जनता के समान प्रतिनिधित्व को नहीं दिखाता तो यह एक विसंगति थी जिसको दूर कर लिया गया है अब लेकिन मुद्दा यह है कि अब संसद में लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है कितनी हो सकती है अब आप लोकसभा की वेबसाइट ओपन कीजिए ठीक है मैं आपको इसका एक प्रूफ जिक्र दिखाता हूं आपको थोड़ा कंफ्यूजन जरूर रहेगा लेकिन मैं आपको एक प्रूफ के साथ चीजें दिखाता हूं मैं आपके सामने अभी ओपन कर रहा हूं यहां पर इंटरनेट ठीक है और यहां पर मैं डालता हूं लोकसभा है ना लोकसभा का हम डाल देते हैं ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स ठीक है अब इसके लिए हम कुछ और वेबसाइट नहीं ओपन करेंगे हम डायरेक्ट ओपन करेंगे लोकसभा की वेबसाइट ठीक है किसी और की नहीं करेंगे हम डायरेक्ट लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे इसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट ठीक है ऑफिशियल वेबसाइट अब सर्च करते हैं यहां पर आपको मिलेगा ये देखिए जी ये लोकसभा की वेबसाइट आ गई ठीक है अब इसके अंदर टोटल मेंबर्स की जो है ना एक जगह पर था मैंने कहीं देखा तो था मैं आपको बताता हूं कि टोटल इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि टोटल इनके पास कितने मेंबर हैं मेंबर्स होम पेज यहीं से सर्च करते हैं अभी नो डाटा फाउंड आ रखा है लेकिन अगर पहले अगर हम देखते हैं ना तो उसपे फाइव फिफ्टी टू ही उन्होंने दे रखा था ये देखिए ये लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है ठीक है ओम ओम श्री बिड़ला आप यहां के स्पीकर देखेंगे ठीक इस चीज को देखिए अब यहां पर आपको मैं पढ़ करके सीधा सीधा बताता हूं लोकसभा इज कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द यानी कह रहे कि सीधे सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं मैक्सिमम नंबर

आगे बढ़ाया नहीं गया है ठीक है लेकिन अभी भी मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा की वेबसाइट पर आज भी पांच ही लिखा है ये कहते हैं कि पांच कि बावन ही अधिकतम अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में कितने लोकसभा में अधिकतम सदस्य हैं तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं तो पांच हो सकते हैं एक संविधान संशोधन के बाद जब वो वर्तमान एंग्लो इंडियंस का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा जिनका भी कार्यकाल बचा होगा वो समाप्त हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद से यहां पर 550 मेंबर ही रहेंगे अभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता तो हम किसको मानेंगे हम मानेंगे जो लोकसभा की वेबसाइट के ऊपर चीजें दे रखी है ठीक है इसी को मानते हुए हमें चलना है इस चीज को ध्यान रखिएगा चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर अपने मुद्दे पर अब बेसिकली मुद्दा यह है कि लोकसभा में अब कोई नामांकित सदस्य नहीं है ठीक है नॉमिनेटेड मेंबर कोई नहीं है अब इनका इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा के सदस्यों का ये सारे के सारे चीज आपको समझना है मेरे जितने भी दोस्त हैं लोकसभा के लिए क्या होता है निर्वाचक क्षेत्र बनाए जाते हैं जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है ठीक है वो सब लोग क्या करते हैं आम चुनाव में वोटिंग डालने के लिए वोट डालने के लिए जाते हैं जो भी अठारह वर्ष से ऊपर का भारत का नागरिक है और जो पंजीकृत मतदाता है मतदाता सूची में जिसका नाम है वोटर कार्ड जिसका बन गया है वो जाते हैं वोट डालने के लिए ठीक है और वो वोट डालते हैं अपने प्रतिनिधियों को अलग अलग प्रतिनिधियों को जिसको भी वो पसंद करते हैं और जो भी जीत जाता है वो लोकसभा में जाता है यानी कि सीधा इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोगों की सभा इसको इसीलिए कहा जाता है कि सभी लोग मिलकर के हम सब मिलकर के यहां पर वोट डालते हैं और ये जानकर के आपको बड़ी ही खुशी होगी कि इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है ना तो आपके साथ जाति धर्म लिंग भाषा किसी भी आधार पर भेद किया जाएगा आपको बस केवल एक उम्र जो है वो पूरी करनी है अगर वो उम्र आपकी पूरी हो जाती है तो आपको कोई इशू नहीं है ठीक है अब लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जब हमारा संविधान बना था ना मेरे दोस्त तो उस समय हमारे संविधान में वोटिंग की जो उम्र है वो अधिक थी वोटिंग की उम्र जो है वो 21 साल हुआ करती थी लेकिन इसको बाद में वोटिंग की उम्र को 21 साल से हटा करके 18 साल किया गया इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं अगर हम मूल रूप से बात करते ना वोटिंग की उम्र तो मूल रूप से 21 इक्कीस वर्ष थी बाद में अठारह वर्ष कर दी गई इसके लिए इकसठवा संविधान संशोधन हुआ सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट और इसी संविधान संशोधन के बाद आप देखोगे कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है जो कि पहले केवल एक सदस्य निकाय होता था उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ी क्योंकि एक झटके में 21 साल से 18 साल की उम्र कर देने पर भारत में करोड़ों नए वोटर बन गए तो ऐसे में उन सब की जिम्मेदारी उन सबका कामकाज संभालना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी तो इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की संख्या भी एक से बढ़ाकर के तीन करनी पड़ी वो पहली बार था जब इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई तो हम सभी लोग डायरेक्ट वोट डालते ठीक है जी इससे रिलेटेड एक किस्सा मैं सुनाता हूं आपने ये तो देखा कि किसी तरीके का भेदभाव होता नहीं है कोई भेदभाव नहीं होता जाति धर्म लिंग संविधान सबको बराबर अधिकार देते हैं जो भी भारत का नागरिक रजिस्टर्ड वोटर होगा वो वोट डालना आएगा लेकिन मैंने देखा कि कुछ भेदभाव तो होता है थोड़ा मोड़ा भेदभाव तो होता है जैसे कि खास करके मीडिया पर्सन में मैंने ये देखा बहुत सारा और किस तरीके का भेदभाव होते हुए क्या होता था कि मैं दिल्ली रहता था मतलब जब मैं स्कूल मेरा पूरा हुआ स्कूल पूरा करके मैं स्कूल छोड़ से भाग करके दिल्ली आया था मैं <laughs> तो दिल्ली में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई स्टार्ट की वहां पर मैं पढ़ता था थोड़े टाइम के बाद पापा भी आ गए तो फिर हम साथ ही लोग रहने लगे कुछ कुछ समय तक साथ रहे तो हमारी जो सोसाइटी थी वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे सारे के सारे उसके अंदर उसमें रहते थे तो आज हमारे ब्लॉक के अंदर जितने भी लोग थे हम दोस्त हो गए थे कई सारे दोस्त बन गए थे कुछ लड़के भी थे कुछ लड़कियां भी थी तो हमारे ग्रुप हो गया था पांच छह लोगों का जिसमें दो लड़के थे चार लड़कियां थी इस तरीके से हम ग्रुप में रहते थे खेलते या कॉलेज जाना, जाना इस तरीके से हमारा साथ ही होता था यार इवनिंग में कॉलेज कॉलोनी में खेलना अब पहली पहली बार हम सारे के सारे लोग जो है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हुए थे सब के सब फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए एलिजिबल हुए और

तो पहली बार वोट डालने गए तो हमने देखा था कि टीवी के ऊपर कि जो भी लोग सबसे पहले वोट डाल करके आते हैं मीडिया वाले निर्वाचन केंद्र के बाहर खड़े रहते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा आपको वोट डाल करके आपने किस पार्टी को वोट दिया या आप क्या चाहते हैं कि कौन जीते कैसा बदलाव चाहते हैं सरकार से तो हमें शौक था बड़ा कि भाई टीवी पर आएंगे न्यूज पेपर में आएंगे अखबार में फोटो छपेगी हमारी भी की तरह तो क्या किया कि हमने सारों लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह सुबह जाएंगे जल्दी से जाकर के वोट डाल करके आएंगे तो हम छे के छे लोग सुबह सुबह निकले सबसे आगे मैं और मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरे आगे और मैं उसके पीछे और मेरे पीछे हमारी दोस्त जो लड़कियां थी वो हम लोग गए सबसे पहले मेरा दोस्त ने वोट डाला और मैंने फिर उसके बाद वोट डाला और हम बहुत ही एक्साइटेड होकर के पोलिंग बूथ के बाहर निकल करके आए हमने देखा था वहां पर कि खूब सारे मीडियाकर्मी खड़े हैं माइक लेकर के कैमरा लेकर के हम गेट के बाहर निकल रहे सहन की तरह ऐसे लग रहा था कि बस कि दुनिया में बस हम ही है और कोई नहीं अब हम छाने वाले हैं जैसे ही गेट के बाहर निकले हमें सपना तो उम्मीद तो ये थी कि इस पूरी मीडिया हम पर टूट पड़ेगी पूछेगी आपने सबसे पहले वोट डाला बताओ आप इतने जागरूक कैसे हुए इतने जिम्मेदार नागरिक कैसे हुए हम निकले और निकलते सन्नाटा पसरा हुआ है हम देख रहे कोई भाव ही नहीं दे रहा हमें ना ही कोई हमें देख करके आया सब लोग रेडी है माइक लेकर के कैमरा लेकर के लेकिन हमसे कोई पूछने भी नहीं आया हम खुद अनाउंस करना लगा कि ये वोट डाल दिया पहला वोट डाल कर सबसे तो भी कोई कैमरा मैन और वो जो देख करके हाँ हाँ ठीक है ठीक है इस तरीके से तभी हमारी दोस्त जो थी वो वो लड़कियां आई वोट डाल कर गए भाई जो सारे के सारे लोग उस उन पे झपटा झपटे कैमरा और माइक लेकर के मैम 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 बताइए कैसा लग रहा आपको वोट डालकर के मैम आप बताइए आप युवा कैसे इस देश के विकास में योगदान करना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में बताइए मैम किस तरीके भाई हमें इतनी बेस्ती महसूस हुई हम उनके पीछे खड़े हो गए कि चलो यार इनके पीछे खड़े होकर के टीवी में थोड़ा दिख जाएंगे दाए तो उसकी एक कवरेज एक चैनल पर आई तो उसमें हम देख रहे उसको देखने के बाद इतनी शर्म आई कि हमारी जो दोस्त थी वो तो मस्त अपना अपना बोलने में लगे और हम पीछे से देख रहे यूं यूं करके ऐसे ऐसे हिलते हुए <laughs> वहां पर देखा कि इस तरीके की चीजें थोड़ी सी होती है चलिए ठीक है थोड़ा हंसी मजाक की चीज थी इसको हंसी मजाक में ही रखना है ठीक है जो किंग की है। अब आगे बढ़ लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को देख लेते हैं ठीक है जी भारत के संविधान में ना धर्म के आधार पर तो किसी के लिए सीटों का रिजर्वेशन नहीं किया गया लेकिन जब भारत आजाद होने वाला था ना तो उस टाइम हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत के अंदर जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता था ठीक है बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया था और उनको विकास की मुख्य धारा से वंचित रखा गया था जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब ने भारत के सभी धर्म जाति लिंग क्षेत्र भाषा के लोगों को आ, का आह्वान किया उन सबको एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए कहा तो सबने सक्रिय भागीदारी की इसीलिए अंग्रेज भाग करके गए किसी एक धर्म या जाति के आधार पर या उसके प्रयास से ऐसा नहीं हुआ सामूहिक प्रयास से ऐसा हुआ तो जब ये सामूहिक प्रयास था तो इस सामूहिक प्रयास में ये आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी था जेंडर भेदभाव के खिलाफ भी था क्योंकि महिलाओं की दशा तो उस समय बहुत बुरी थी बहुत ही ज्यादा खराब थी चाहे वो किसी भी जाति में रहे हो सबसे ज्यादा शोषित महिलाएं थी तो इन सब ने अपने अधिकारों की डिमांड की और इन्होंने कहा कि जब हम आजाद होंगे तो हमें भी इक्वल राइट चाहिए हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के और फिर उसके बाद जब हमारे संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको इस चीज के बारे में पता था संविधान बनाते टाइम ये चीज ध्यान रखी गई कि भारत में समानता का अधिकार हो सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले इसीलिए सार्वभौमिक वैश्विक लिंग के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं था लेकिन संविधान निर्माताओं को यह पता था कि हमने समानता का अधिकार तो दे दिया लेकिन यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरी नहीं करेगा क्योंकि जो समाज जो वर्ग अभी तक वंचित थे शोषित थे अगर उनसे आप उम्मीद करो कि उनको केवल यह रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए कि भैया हां तुम भी इलेक्शन लड़ सकते हो तुम्हारे इलेक्शन लड़ने पर कोई रोक टोक नहीं है लेकिन सोचिए जब उनके साथ इतने लंबे समय से भेदभाव हुआ उनको वंचित करके रखा मेन दिक्कत प्रॉब्लम यह होगी उनको उस लेवल तक नहीं पहुंचाने दिया वो एजुकेशन का लेवल वहां तक नहीं पहुंच पाया था ठीक है शिक्षा का स्तर नहीं पहुंचा आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी ठीक है राजनीतिक जागरूकता उस लेवल तक नहीं पहुंचने दिया गया तो ऐसे में आप कैसे यह उम्मीद कर सकते हो कि किसी एक जगह पर इलेक्शन होगा तो ये जो वंचित समुदाय हैं उनके कैंडिडेट को निष्पक्ष आधार पर इलेक्शन लड़ने और जीतने के मौके मिल पाएंगे वहां पर ये संभावना थी कि बहुसंख्यक वर्ग या जो उच्च वर्ग है वो हमेशा बाकियों के अधिकारों का हनन कर लेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सिस है संसाधन है तो ऐसे में यह निर्धारित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अगर एम्पावर करना है इनको सशक्त बनाना है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना जरूरी है सत्ता में भागीदारी इसको बोलते हैं सत्ता में भागीदारी तो वो देना जरूरी है तो सत्ता में भागीदारी देने के के लिए 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 रिजर्व किया गया सीटों के लिए, जो है इनके लोकसभा में सीटें रिजर्व की गई प्रारंभ में ये दस वर्षों के लिए आरक्षण किया गया था 1960 तक ये कहा गया था कि पहले दस वर्ष तक ये आरक्षण दे रहे ठीक है यानी कि लोकसभा के दो कार्यकाल तक उसके बाद जो है आरक्षण समाप्त हो जाएगा और बाकी देखेंगे लेकिन उसके बाद भी जितनी भी सरकारें आई उन सभी सरकारों ने हर दस दस साल के बाद इस आरक्षण को बढ़ाया अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए अगर हम बात करते हैं तो एक संविधान संशोधन से 2030 तक के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों को आरक्षित कर दिया गया है ठीक है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व बना रहे अब यह चीज ध्यान रखना कि जो सीटें रिजर्व की जाती हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उन पर केवल एस और एस के, के कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकते हैं लेकिन वहां पर वोटर तो सारे जाति धर्म के लोग हैं तो वोटिंग हर कोई करेगा लेकिन कैंडिडेट केवल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से होगा ठीक है इस चीज को ध्यान रखना अब एक और चीज समझाता हूं एक तो हो गई आरक्षित इसको हम बोलते हैं आरक्षित सीट ठीक है और एक हो गई जो जिसको हम अनारक्षित सीट बोलते हैं या सामान्य सीट बोलते हैं साधारण जनरल सीट जिसको बोला जाता है अब आरक्षित सीट के ऊपर केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट इलेक्शन ये लड़ सकते हैं ठीक है ये चुनाव लड़ेंगे ठीक है लेकिन जब हम सामान्य की बात करते हैं तो इसमें सामान्य ठीक है ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सभी जातियां ठीक है हर जाति के लोग जो हैं उसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं वहां पर जो अनरिजर्व सीट है अनारक्षित सीट है उसके ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है कि वहां पर केवल एक ही जाति के लोग लड़ेंगे वहां पर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है यह भारत के अंदर प्रावधान है किस तरीके से इलेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट सिस्टम ठीक है अब हमारे संविधान सभा ने राज्यसभा और लोकसभा पद्धति अपनाई और लोकसभा के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है सबसे पहले तो समझिए कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभाग्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसे निर्वाचक क्षेत्र कहा जाता है आर्टिकल 82 के आधार पर, आपने आर्टिकल 82 82 82 के के आधार आधार पर पर आपने पढ़ा होगा क्या होता है 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 कि जो जो संसद भारत भारत की भारत का पार्लियामेंट वो परिसीमन आयोग का गठन करता है परिसीमन आयोग हर राज्य को निर्वाचक क्षेत्रों में बांटता है ठीक है लोकसभा के लिए उनको कहा जाता है लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र फॉर एग्जाम्पल ये एक राज्य है ठीक है इस राज्य के अंदर ऐसे हो सकता है कि इस तरीके से एक दो तीन चार और पांच ये पांच निर्वाचक क्षेत्र बना दिए इन पांच निर्वाचक क्षेत्रों का मतलब है कि हर क्षेत्र से एक कैंडिडेट इलेक्शन जीत करके लोकसभा में आएगा लड़ कितने भी सकते हैं कंटेस्ट कितने भी कर सकते हैं लेकिन हर क्षेत्र से केवल एक ही व्यक्ति जीतेगा तो यानी कि इस राज्य से पांच लोकसभा की सीटें निर्धारित होगी ठीक है तो इसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र तो हर निर्वाचन क्षेत्र से एक कैंडिडेट जीतेगा एक प्रतिनिधि जीतेगा अब इसमें विजयी कैसे घोषित होता है इसको समझिए विजयी कैसे घोषित होगा मान लेते हैं कि एक एक एग्जाम्पल से समझ आ जाता हूँ कि मैं अपने अपने एक जिले का नाम ले लेता हूँ मेरा जिला जो है वो महेंद्रगढ़ रहा है कि हम ले लेते हैं कि भाई महेंद्रगढ़ जिला है ठीक है ये हरियाणा के अंदर जिला है अब इसमें हम मान लेते हैं कि कुल वोटर जो है यहां पर कुल वोटर जो है ना वो यहां पर है सो ठीक है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है इसको ऐसे मत समझना कि 100 वोटर हजारों लाखों की संख्या में कुल वोटर है सो अब इसमें जो पार्ट जो कैंडिडेट है जो उम्मीदवार है उम्मीदवार है वो है एक का नाम है अलग अलग नाम रख सकते हैं ठीक है एक का नाम रख सकते हैं हम रामू एक का नाम रख सकते हैं हम राजू एक का नाम रख सकते हैं हम बिल्लू ठीक है एक का नाम हम रख सकते हैं आ, जो भी नाम आप रखना चाहो एक का नाम रख सकते हैं हम रमलू या आ हम रख सक लेते हैं कि फॉर एग्जाम लिख लेते हैं हम बिलाल ठीक है एक का नाम रख लेते हैं हम किसी का भी और वो रख सकते हैं एल्बर्ट ठीक है और एक का नाम रख लेते हैं हम गुरकीरत मान लेते हैं कि छह कैंडिडेट हैं ये छह कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए वोटर हैं सो उल सो अब ऐसे में इन में से रामू को सीट मिल गई नो ठीक है राजू को जो सीट है उनको सीट मिल गई चौदह ठीक है बिल्लू जो है इनको सीट मिली दस बिलाल जो है इनको सीट मिल गई ग्यारह एल्बर्ट जो है इनको सीट मिल गई आठ ठीक और जो गुरकीरत है इनको सीट मिल गई मान लेते हैं इनको भी दस बाकी जो है वो नोटा पर चले गए ठीक है नोटा पर बाकी की जो सीटें हैं जो बच गई वो वोट चले गए नोटा के ऊपर अब सबको बहुत कम कम वोट मिले भारत में जैसे सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए होता है तो 50 परसेंट आपके पास कम से कम 50 प्लस परसेंट आपके पास इक्यावन सीट इक्यावन वोट होने चाहिए तब आपकी सरकार बनेगी इसी चीज के ऊपर हमारी संविधान सभा में भी चर्चा हुई संविधान सभा में यह चर्चा हुई कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत है और हम स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार दे रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है कि भारत में एक ही क्षेत्र से कई सारे उम्मीदवार खड़े हो जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए अगर हम 50 परसेंट वाला बहुमत वाला प्रावधान रखेंगे लोकसभा के और विधानसभा के कैंडिडेट के की विजय के लिए तो वो बहुमत तो जिंदगी में भी नहीं मिल पाएगा चुनाव होते चले जाएंगे 50 परसेंट किसी को नहीं मिलेगा हो सकता है कि कुछ रेयर लोगों को कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में मिल जाए सबको नहीं मिलेगा वहां पर तो स्थिति ऐसी रहेगी कि उन्नीस बीस उन्नीस बीस का अंतर रहेगा तो क्या ऐसे में बार बार लोकतंत्र इलेक्शन कराए जाए या इलेक्शन रद्द करने पड़ेंगे तो इससे अव्यवस्था फैल जाती इसीलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला गया उसमें कहा गया कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं जितने भी वैध वोट गिरे हैं उनमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो जो राजू है इसको चौदह वोट मिले ठीक है तो राजू जो है वो जीत गया ये यहां के अब क्या कहलाएंगे इस क्षेत्र के एमपी ठीक है यानी कि सांसद ठीक है और ये सांसद जाएंगे लोकसभा में ठीक है जी क्लियर इसको बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसने भी सबसे ज्यादा सीटें जीती पहले आओ पहले पाओ वाला नहीं है ठीक है जी पहले आओ पहले वाओ, पाओ की तरह नहीं है चले आगे चलते हैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा तो लाइक शेयर करते जाएंगे जोश बताएंगे हाउस द जोश कैसा है जोश लंबे पे चलेंगे हम लोग लंबी चलेगी क्लास तो जोश बताओ हाउस द जोश कैसे भाई जोश हाई सर के आंसर आना चाहिए ठीक है ये हो गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसमें राजू जीत गया ठीक है राजू की होगी पार्टी ये अब राजू साल तक सांसद बनेगा और हो सकता है बहुत सारी तो बापू सब बनाएंगे आपको आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे आपके घर तक पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए ठीक है और उसके बाद आप जब वो अगर कोई कैंडिडेट जीत गया तो आप पांच साल तक उसको देखोगे नहीं पांच साल तक अदृश्य दिखेगा आपको पांच साल तक वो शक्तिमान टाइप से या बाहुबली टाइप से हो जाएगा फिर तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा और तुम्हें मिलने जाओगे तो भी मिलने नहीं दिया जाएगा ठीक है उसके लिए भी बहुत इंतजार करना पड़ेगा यह चीज है चलो तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सभी ऐसे नहीं होते कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं अब अवधि देख लेते हैं भैया कितने कितने साल तक कार्य करते हैं तो जो राज्यसभा है ना वो एक निरंतर चलने वाली संस्था है यानी कि इसका ये स्थायी संस्था है कभी भी विघटन नहीं होता है ठीक कभी भी भंग नहीं होती है जैसे लोकसभा हर पांच साल में भंग हो जाती है ऐसा नहीं है ये परमानेंट चलती रहती है छह साल का इसका कार्यकाल है ठीक है कार्यकाल जो है छह साल का होता है ठीक है जी इसकी अगर हम बात करते हैं कि हमारे संविधान ने ना राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई पदावधि निर्धारित नहीं की थी संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था तो संसद ने जो है ना जनप्रतिनिधित्व तो अधिनियम उन्नीस के आधार पर छह साल के लिए पदावधि जो है निर्धारित की राज्यसभा की एक मेंबर कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है हर दो साल में राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं सबसे पहली राज्यसभा जो है उन्नीस में स्थापित हुई अब ऐसे में आपसे एक सवाल आ सकता है यह सवाल पूछा जा सकता है कि सर अभी तो हम मान लेते हैं कि चलो हर दो साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं वन थर्ड रिटायर हो जाते हैं और नयो का इलेक्शन हो जाता है हर दो साल में इलेक्शन चुनाव हो जाता है उनका कार्यकाल इसी आधार पर है लेकिन जो पहली राज्यसभा बनी उसमें तो सारे ही सदस्य नए नए चुने गए थे तो ऐसे में उन सभी का ही कार्यकाल छह वर्ष होना चाहिए था तो वहां पर उनकी पहली राज्यसभा में यह कैसे निर्धारित किया गया कि कौन व्यक्ति दो साल तक रहेगा कौन चार साल तक रहेगा कौन छह साल तक रहेगा क्योंकि ऐसा होगा तभी तो एक दो तिहाई सदस्य हर साल रिटायर होंगे ऐसा ही तो प्रावधान होगा मान लीजिए उन्नीस में सौ लोग सौ लोग जो हैं वो राज्यसभा के या निन्यानवे ले लीजिए 99 लोग जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य बने ठीक है 1999 में, में 99 थे तो 1954 में इनमें से 33 लोगों को रिटायर होना पड़ेगा ठीक है 1956 में बाकी के 33 लोग हैं वो रिटायर होंगे 1958 में बाकी के 33 लोग हैं वो रिटायर होंगे और नए आ जाएंगे एक दो ये रिटायर होंगे अगले आ जाएंगे दूसरे रिटायर होंगे अगले आ जाएंगे लेकिन ये कैसे निर्धारित हो क्योंकि 1952 में तो पहली बार राज्यसभा बनी है तो सभी का कार्यकाल 6 वर्ष से तो ऐसे में दो साल के अंदर कैसे करोगे तो इसके लिए लोटरी का सिस्टम निर्धारित किया गया ठीक है इस चीज को समझिएगा जब राज्यसभा बनाई गई तो उस समय यह निर्धारित किया गया कि भाई लोटरी के आधार पर होगा पहले बैच में कि लोटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा यानी कि रिटायर किया जाएगा दो साल के बाद पदमुक्त कर दिया जाएगा कि भैया देखो ये तैतीस लोगों लोटरी में इनका नाम आया ये पूरे के पूरे छे साल तक रहेंगे ये लॉटरी में इनका नाम आया ये उन्नीस में रिटायर हो जाएंगे इनका नाम लोटरी में आया उन्नीस में रिटायर हो जाएंगे है ना इनका नाम लोटरी में वो इस तरीके से तो उन्होंने लोटरी सिस्टम से पहली बार किया उसके बाद एक बार लॉटरी सिस्टम हो गया तो फिर उसके बाद से वही प्रक्रिया अब नो स्टॉप चली जा रही है हर दो साल में एक तिहाई रिटायर होते हैं नए चुन लिए जाते हैं फिर अगले दो साल में एक तिहाई रिटायर होते हैं फिर नए चुन लिए जाते हैं तो ऐसे में एक कैंडिडेट छह साल तक राज्यसभा में बना रहता है छह साल का कार्यकाल उसका रहता है नामांकित सदस्य हैं उनको तीन तीन वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है ठीक है चीज ध्यान रखिए चलिए अब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा सवाल यह रहेगा आप बताना अगर आप लोग जीवित थे क्लास के अंदर तो आप आंसर देंगे सवाल यह रहेगा कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि संविधान ने छह वर्ष के लिए निर्धारित की है क्या ये स्टेटमेंट सही होगी हां या ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए चलिए सारे जो सोना मोना जानू बाबू बाबा बाबू करने वाले जो हैं सभी लोग आंसर दीजिए देखिए आंसर देने वाले कुछ ही हैं देखिए यहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर मैं सबसे एक बार आग्रह करूंगा जाति के आधार पर धर्म के आधार पर लिंग के आधार पर किसी आधार पर किसी के बारे में कोई बैर भाव ना फैलाएं किसी के बारे में कुछ भी गलत सलत ना बोलें, ठीक है आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं अगर आप इस तरीके की मनोवृत्ति रखते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है आप खो ही नहीं सकता है सिलेक्शन तो इस तरीके की चीजों से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा तो इस चीज को समझिए स्टेटमेंट गलत रहेगी गलत क्यों रहेगी वो स्टेटमेंट क्योंकि संविधान ने छह वर्ष निर्धारित नहीं किया संसद ने छह वर्ष निर्धारित किया पार्लियामेंट में छोड़ा गया था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस के आधार पर फिर संसद ने छह वर्ष के लिए अवधि निर्धारित की ठीक है जी तो यह चीज हुआ और इसने राष्ट्रपति को ये पावर भी दी कि जो पहला कार्यकाल जिनका है उस पहले कार्यकाल को के लोगों जितने भी सदस्य हैं उनके कार्यकाल को आप कम कर सकते हो किसी का दो साल कर सकते हो किसी का चार साल कर सकते हो किसी का छह साल कर सकते हो ये लोटरी के आधार पर निर्धारित किया गया अब लोकसभा तो जारी रहने वाली संस्था नहीं है लगातार जारी रहने वाला सदन नहीं है ठीक है ये इसको इसीलिए अस्थायी सदन भी कहा जाता है ठीक है इसको अस्थायी इस सदन भी कहा जाता है आमतौर पर जब भारत में जब जनरल इलेक्शन होते हैं आम चुनाव जिसको बोला जाता है आम चुनाव के बाद जब पहली बैठक होती है उस पहली बैठक से पांच वर्ष तक के लिए ये निर्वाचित होती है पांच साल का कार्यकाल दिया गया है अब ये पांच साल का कार्यकाल ऐसा नहीं है कि फिक्स है जैसे राज्यसभा में एक किसी कैंडिडेट का छह साल का, का कार्यकाल है तो कुछ एक दो अपवादजनक परिस्थितियां छोड़ दें तो वो छह साल पूरा कार्यकाल अपना करता ही करता है वो भंग नहीं होता है लेकिन लोकसभा में पांच साल का अधिकतम कार्यकाल है पांच साल से पहले भी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो सकता है विघटन हो सकता है लोकसभा भंग की जा सकती है वो निर्धारित करेंगे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर ठीक है कि सरकार के पास बहुमत नहीं रहा सरकार गिर गई ठीक है इन सब चीजों के आधार पर पांच साल के बाद वो खुद ही विघटित हो जाएगी ले राष्ट्रपति इसको पांच साल से पहले भी किसी भी समय विघटित करने का अधिकार इनके पास रहता है अब इस चीज को समझिए अब आप कहोगे सर, लोकसभा को पांच साल के लिए क्यों किया गया जबकि विश्व के बहुत सारे देश वो तो अपने क्षेत्र में बड़े लंबे लंबे समय तक शासन करते हैं आम तौर पर धारणा तो यही है ना कि अगर कोई एक देश में शासन किसी एक व्यक्ति का लंबे समय तक चलता है तो वो दीर्घकालिक नीतियों को लागू कर सकता है विकास के काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने टेंडेंसी देखी होगी आपने चीन का उदाहरण देखा होगा वहां पर अपने आपको आजीवन सी जिनपिंग आपने नाम सुना होगा आजीवन अपने को राष्ट्र चीन का प्रमुख बना लिया जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वही रहेंगे सोवियत संघ का जो प्रतिनिधि है जिस उसके विघटन के बाद रूस तो व्लादिमीर पुतिन का नाम आपने सुना होगा तो व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 2030 या 33 तक अपने को रूस का प्रमुख बना कर लिए कि भैया तब तक हो रही और ऑलरेडी कई दस कई सालों से वो वहां पर हैं और उसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि हमारे देश आज इस विकास की अवस्था में विश्व की महाशक्ति बनने जा रहे हैं सबसे बड़ी महाशक्ति बनने जा रही है इसका कारण यह है कि हम नीतियों में निरंतरता ला रहे हैं और नीतियों की निरंतरता तभी लाई जा सकती है जब लंबा शासन करें क्या ऐसी चीजें भारत में नहीं लागू की जा सकती थी आपके माइंड में यह थॉट आता होगा ना यार हर पांच साल में इलेक्शन हो जाते पांच साल से पहले भी हो जाते तीन तीन साल में भी हो जाते चार चार साल में भी हो जाते हैं इतना ज्यादा खर्चा लगता है इतना पैसा लगता है लोगों का पैसा हजारों करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद हो जाता है ठीक है और फिर महंगाई बढ़ती चली जाती है क्यों ना दस साल के लिए पंद्रह साल के लिए बीस साल के लिए एक ही पार्टी की सरकार बना दी जाए ऐसा थोट दिमाग में आता भी होगा और ऐसा सवाल भी आ सकता है कि भारत के अंदर लोकसभा की भारत के विकासात्मक आयामों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास के लिए एक स्थायी एवं बड़े कार्यकाल वाली सरकार की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है क्या आपके अनुसार लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जाने की आवश्यकता है ताकि भारत में नीतियों की निरंतरता बनी रहे इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत के अंदर इस तरीके की व्यवस्था कामयाब नहीं रहेगी कामयाब क्यों नहीं रहेगी क्योंकि भारत लोकतंत्र है रूस और सोवियत संघ अगर उनको आप सॉरी रूस और चीन वो अपने आप को बोलते हैं लोकतंत्र लेकिन वास्तविक रूप से लोकतंत्र नहीं है। चीन का ही उदाहरण ले लीजिए चीन में केवल एक ही पार्टी है वही पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं ठीक है वही पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ करके सरकार में आते हैं उसी पार्टी की मर्जी से सारी चीज होती है बाकी छुटपुट छुटपुट और कोई अदर पार्टी खड़ी भी होती है तो उनको वो खड़े नहीं होने देते अगर उनको इलेक्शन लड़ना तो इसी पार्टी से पूछ करके लड़ना पड़ता है तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं है भारत एक लोकतंत्र है इसमें अलग अलग धर्म जाति भाषा क्षेत्र के लोग रहते हैं तो सबके पास रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है अब सबका रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसके लिए सरकार अगर आपने मान लीजिए एक सरकार बना दी दस साल पंद्रह साल के लिए तो बड़ी संभावना है कि वो सरकार निरंकुश हो जाए ताना साह प्रकार की हो जाए डिक्टेटर हो जाए उसको ये लगे कि भाई अब तो प, दस साल के लिए बन गए पंद्रह साल के लिए बन गए अब हमारा जनता से क्या लेना जरा पंद्रह साल तक हम जनता को ना भी पूछे तो क्या हो जाएगा जनता के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है पंद्रह साल तक कुर्सी कहीं नहीं तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार जो है वो ताना हो जाए डिक्टेटर बन जाए और केवल अपने खुद के विकास के लिए कार्य करने लग जाए हो सकता है प्रधानमंत्री डिक्टेटर हो जाए हो सकता है कि उस पार्टी का जो वोट बैंक है वो केवल उनकी मदद करे उनके लिए काम करने लग जाए को भगाने लग जाए जैसे कि आम तौर पर पाकिस्तान में कोशिश की जाती है सैन्य ताना साहू के द्वारा ठीक है तो ये संभावनाएं थी तो इन संभावनाओं से को दूर करना जरूरी था और ये सुनिश्चित करना भी जरूरी था कि सरकार जो है नागरिकों की मालिक ना बन जाए बल्कि नागरिकों की गुलाम बन करके रहे नागरिकों की सेवा करते रहे नागरिकों से परमिशन लेते रहे नागरिकों के प्रति जिम्मेदार रहे और वो कब होगा जब उनको पता होगा कि आपकी जो कुर्सी जो सत्ता मिली है वो स्थायी नहीं है कुछ ही समय के लिए है अगर आपने जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जनता का देश का विकास नहीं किया तो आपकी कुर्सी चली जाएगी और अगर आपको कुर्सी पे बने रहना है दोबारा से सत्ता में आना है तो आपको अल्टीमेटली लोट करके जाना पड़ेगा वो गाना ना आ अब लोट चले पांच साल के बाद ये गाना गाना ही पड़ेगा आ अब लोट चले ठीक है और आ अब लोट चले किसके पास जनता के पास वोट मांगने और जनता वोट तभी देगी जब तुमने उनकी सेवा की होगी कहते हैं ना सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा तो दोबारा तभी आओगे जब सरकार जो है आपको वो करेगा ठीक है मेरे दोस्त क्लियर चलिए आगे चलते हैं अब तो ये एक तो पांच साल से पहले भी भंग कर सकते हैं अब उम्र देख लेते हैं जैसे उम्र का हमने देखा था कि राज्यसभा के लिए तीस वर्ष लोकसभा तो कि किस -किस कितनी उम्र होती है तो भारत के अंदर सबसे पहले वोट देने की जो उम्र है वो है अठारह वर्ष ठीक है जी दूसरे की अगर हम बात करते हैं पंचायती राज पंचायती राज ठीक है जी और या नगर पालिका या नगर निगम तो नगर पालिका लिख देता हूं मैं स्थानीय शासन में वोट देने की उम्र है इक्कीस वर्ष वोट देने की नहीं मतलब इलेक्शन लड़ने की चुनाव लड़ने की ये वोट देने की है ये चुनाव की है इलेक्शन लड़ने की चुनाव लड़ने की उम्र जो है ठीक है ऐसे ही विधानसभा में विधानसभा प्लस राज्य सॉरी लोकसभा विधानसभा और लोकसभा इनके अंदर इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 वर्ष है विधान परिषद विधान परिषद एवं राज्यसभा इनके लिए इलेक्शन लड़ने की उम्र 30 वर्ष है अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं आप उप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो इनके लिए उम्र जो है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है राज्यपाल इसमें इलेक्टेड नहीं होता ये नामांकित होता है लेकिन बाकी ये सारे इलेक्टेड में निर्वाचित सदस्यों की बात करें ये उम्र होती है इतनी उम्र आप सबको पता होनी चाहिए ठीक है ये उम्र का तकाजा है इस उम्र को ध्यान में रखिए आप सब लोग जिस उम्र में है आप भी गजब के जोश में होते हैं है ना भावनाएं चरम पर होती है मेहनत करने में से भी आप घबराते नहीं है बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है एक ना एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी ठीक है हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति किसी ना किसी दिन इन पदों पर चला जाए और देश का प्रतिनिधित्व करे भविष्य में कोई अच्छा प्रधानमंत्री बने कोई बहुत अच्छा मंत्री बने देश के विकास में अपना योगदान दे ये सारी की सारी की चीजें आप लोग कर सकते हैं ठीक है बाकी पढ़ाई की और की और इनकी उम्र जो है है आप सबको पता ही है, तो उस उम्र के अंदर अंदर सारी चीजें कर लेना विवाह की उम्र भी आपको पता है तो उसी विवाह के उम्र ठीक है एक ठीक ठाक एज के आसपास जाकर के वो भी करना जरूरी है नहीं तो फिर बाद में फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं ठीक है ये ध्यान रखिएगा चलिए तो ये हो गया आपकी सारी की सारी उम्र का मामला अब आगे चलते हैं स्थानों का रिक्त होना संसद के सदस्य के स्थान कैसे रिक्त होता है इसको समझ लेते हैं एक तो दोहरी सदस्य भारत के अंदर एक प्रावधान है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो है वो एक ही सदन का सदस्य हो सकता है ये बेसिकली भारत का जो परंपरागत रूप से जो रिश्ते चले आते हैं ना जैसे प्यार मोहब्बत होती है तो प्यार मोहब्बत होता है विवाह होता है तो उसमें कहा जाता है ना कि विवाह हो गए अब तो तो हम हम बस तुम्हारे ही ही हैं ठीक है या हम तो उसी से ही प्रेम करेंगे जो केवल हमारा ही हो ठीक है तुम केवल एक के ही हो सकते हो दो के नहीं है ना इस तरीके की चीजें कहते ना वो सनी देवल का डायलॉग है तुम सिर्फ मेरी हो, और किसी की नहीं ठीक है अगर किसी और ने तुम्हारी तरफ नजर उठा करके देखो तो काट फाड़ डालूगा, डालूगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी होता है एक समय में एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य हो सकता है दो सदन की सदस्यता उसके पास नहीं हो सकती है वो एक से ही प्रेम कर सकता है दो जगह से प्रेम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा दोनों जगह से मार पड़ने की संभावना होगी कई लोग होते ना दस दो हाथ में लड्डू लेकर घूमते एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली है ना और जिस दिन पता चलता है उस दिन जो धमाके होते हैं इंटरनेट पर वायरल वीडियो होते देखे होंगे आपने कि पत्नी ने पकड़ा पति को अपनी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों है ना फिर जो धुनाई होती है फिर जो मीडिया में खबरें छपती है ऐसे ही कुछ हाल यहां पर दोहरी सदस्यता का प्रेम रखने वाले लोगों के साथ होती है यदि कोई इस व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उसी टाइम राज्यसभा का भी इलेक्शन हुआ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में एक साथ हो गए और एक व्यक्ति उन दोनों ही इलेक्शन में खड़ा है और वो व्यक्ति दोनों ही सदनों से चुन लिया गया दोनों जगह जीत गया अब वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो लोकसभा का भी मेंबर रहूंगा राज्यसभा का भी मेंबर रहूंगा नहीं उसको दस दिन का समय दिया जाता है कि भाई दस दिन के अंदर अंदर बता दो कि, कि लोकसभा का मेंबर रहना कि राज्यसभा का मेंबर अगर दस दिन के भीतर अगर उसने नहीं बताया तो जो राज्यसभा की उसकी सीट है ये खाली हो जाएगी एक ही सदन की सदस्यता रहेगी ऐसे ही अगर मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है और उसने लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इसमें जीत गया तो पुरानी सीट खत्म हो जाएगी ऐसे ही मान लेते हैं कि लोकसभा का एक सदस्य है वो ऑलरेडी सदस्य है लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो उसने उसमें कंटेस्ट किया और जीत गया तो लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी ये चीज ध्यान रखना है इसी के साथ अगर एक ही सदन में दो सीटों पर चुना गया भारत में ये आपको छूट है कि एक व्यक्ति एक कैंडिडेट एक ही समय पर दो सीटों से इलेक्शन लड़ सकता है, है। केवल इलेक्शन लड़ने की छूट दी गई है जैसे आपके पास भी छूट दी जाती है ना कि एक ही आप एक व्यक्ति आप अपनी पसंद से किसी को भी कई लोगों को जो जो चीजें आप पसंद कर सकते हो थोड़ा सा प्रेम कर सकते हो लेकिन विवाह करने की छूट ऐसे नहीं दी कि विवाह आपको एक से ही करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक टाइम में एक व्यक्ति एक ही सदन में दो सीटों पर जीत सकता है जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दो जगह से इलेक्शन लड़ते हैं दोनों से ही जीत जाते हैं राहुल गांधी दो जगह से इलेक्शन लड़ते हैं है ना तो अगर दोनों से जीत गए तो उनको अपनी मर्जी से एक सीट खाली करनी पड़ेगी उनको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी सीट हम खाली कर रहे हैं अगर नहीं करेंगे ना खाली ये कहेंगे नहीं मैं तो दोनों रखूंगा दोनों पर रहूंगा तो इस पर भी वही हाल होगा जो एक साथ दो लोगों के साथ प्रेम संबंध बनाने वालों का होता है कि दोनों सीटें खाली हो जाएंगी दोनों ही छोड़ करके चले जाएंगे तुम्हें ठीक है एक ही बार में दो के साथ रहे दोनों छोड़ जाएंगे चलो भाई एक काम कर निकल फुट तू तो दोनों सीटें खाली हो जाएंगी एक भी सीट जो है जुड़ी नहीं रहेगी ऐसा ही मामला राज्य के स्तर पर और विधान इसके स्तर पर होता है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता तो उसको अगर ऐसा होता है तो चौदह दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा उसको अपने राज्य विधानमंडल की जो सीट है उसको खाली करनी पड़ेगी नहीं तो संसद की सीट खाली हो जाएगी ये कुछ प्रोविजन हैं जो इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन आएगा आप लिख करके ले लीजिए मेरे से ठीक है ये सोच में है ये इस सोच में है कि क्या करें किधर जाएं इधर जाए किधर जाए एक सीट कौन सी रखे उस कसम कसम है अब आ जाते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी को लेकर के पीठासीन अधिकारी मतलब जो इस कुर्सी के पर बैठते हैं जैसे आप यहां पर देख रहे हैं हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर ओम बिड़ला वो बैठे हुए हैं है ना तो इनके संदर्भ में भी कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उसको हम बोलते हैं अध्यक्ष यानी कि स्पीकर इंग्लिश में बोला जाता है हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष ठीक है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा में होते हैं उनको बोलते हैं चेयरपर्सन सभापति और उपसभापति ठीक है जी अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन के अंदर प्रश्न में आपसे यह लिखा जाए कि सभापति लोकसभा के सदस्य होते हैं फिर दूसरी स्टेटमेंट दे दी जाए कि अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं अब आप समझ में नहीं आओगे सभापति और अध्यक्ष किस पे करेक्ट लगाएं तो लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूं यूज करना उसको समझना बड़े ध्यान से अध्यक्ष का वर्ड जहां पर भी यूज किया गया है उसका मतलब वो लोकसभा से है जहां पर भी सभापति वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब राज्यसभा से है ठीक है इंग्लिश में तो बड़ा क्लियर है स्पीकर एंड चेयरपर्सन पहले चेयरपर्सन की जगह चेयरमैन कहा जाता था ठीक है राज्यसभा में चेयरमैन कहा जाता था लेकिन ये जेंडर जो हमारी राइट टू इक्वेलिटी है ना उसके अगेंस्ट जाता था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता था वो कहते थे कि चेयरमैन क्यों भाई चेयर वुमेन क्यों नहीं हो सकती महिला भी तो हो सकती है दो महिलाओं ने लोकसभा के आप बात देखेंगे तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी संभाला ऐसे ही राज्यसभा के अंदर यह मामला उठा कि भाई वुमेन क्यों नहीं हो सकती तो जेंडर न्यूट्रल करने के लिए इसका नाम बदल करके चेयरमैन से चेयरपर्सन कर दिया गया ठीक है चेयरपर्सन हिंदी में यह मामला ठीक है हिंदी में उसको तो थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है सभापति या इस तरीके का विवाद चल रहा है लेकिन हम मूल रूप से आप देखोगे तो इंग्लिश की चीजों को कंसिडर कर लेते हैं बाद में पति और पत्नी का विवाद राष्ट्रपति को लेकर के भी उठा कि अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति बने हैं लेकिन वो तो महिला हैं तो ऐसे में उनको राष्ट्र पत्नी क्यों नहीं कहा जाता ये विवाद के ऊपर भी मैं आपको कभी अलग से क्लास लेकर के बताऊंगा समझाऊंगा अभी बस आप ये समझिए कि जेंडर न्यूट्रलाइजेशन के लिए चेयरपर्सन नाम कर दिया गया अब लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे इलेक्ट करते हैं समझिए लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जितने भी सदस्य वहां पर होते हैं और इनका कार्यकाल जब तक लोकसभा चलती है तब तक इनका कार्यकाल होता है यानी कि मान लीजिए कि लोकसभा ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया तो ये पांच साल तक रहेंगे लोकसभा ने मान लीजिए तीन साल में ही विघटित हो गई तो ये तीन साल तक रहेंगे लोकसभा ने चार साल में विघटन हो गया लोकसभा का तो ये चार साल तक रहेंगे इनका कार्यकाल लोकसभा के साथ साथ चलता है ठीक है अब ये ध्यान रखना है कि जैसे लोकसभा विघटित हो जाती है तो लोकसभा के विघटित होते ही ये अपनी पोस्ट छोड़ते नहीं है खाली नहीं करते हैं ठीक है ये अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं कि जब तक कि नई लोकसभा की बैठक ना हो जाए नई लोकसभा के स्पीकर इलेक्ट होकर के नहीं आ जाए तब तक ये रहते हालांकि उस समय तक कुछ कार्य नहीं करते लेकिन अगर कुछ अत्यंत आवश्यक जरूरत पड़ने पर अगर कुछ कार्य करने की जरूरत हो तो इसलिए इस पद को बनाए रखा जाता है उस टाइम तक कि हाँ भैया वो रहेंगे लेकिन इनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाता है ठीक है जी अब इनकी शक्तियां और कार्य जो है वो देख लेते हैं देखिए सबसे पहली चीज तो आपको मैं एक और बता देता हूं कि जब भी हम लोकसभा के स्पीकर की बात करते हैं ना तो लोकसभा के स्पीकर बनने के लिए कुछ कंडीशन है कुछ मैंडेटरी कंडीशन है पहला कि आप जो है आपको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है अगर आप लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, तो आप स्पीकर नहीं बन सकते डिप्टी स्पीकर नहीं बन सकते क्योंकि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव अपने ही सदस्यों के बीच से किया जाता है लेकिन मंत्री के संदर्भ में इस तरीके की चीजें नहीं होती आपने मंत्री के संदर्भ में सुना होगा ना कि भारत में कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहे छह महीने तक मंत्री बना रह सकता है प्रधानमंत्री बना रह सकता है मुख्यमंत्री बना रह सकता है छह महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी लेकिन ऐसा ही सवाल आपसे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है स्पीकर के बारे में भी पूछा जा सकता है और इसमें आपसे कहा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि यह जरूरी नहीं कि लोकसभा के स्पीकर अपने निर्वाचन के समय लोकसभा का सदस्य हो लेकिन छह महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी यह स्टेटमेंट दे दी जाए तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए थोड़ा तो प्यार यार हमारे लिए भी दिखा लो आपस आप में ही प्यार में लगे हुए एक दूसरे के साथ इतना गहरा प्यार आपका एक दूसरे के साथ थोड़ा हमारे साथ भी कर लो हमारे उत्तर सवाल का जवाब दे दो कि क्या ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी ये जो परा परी जो भी हैं जितने भी क्या बात है हमारे यहां पर सारे के सारे अलग अलग किस्म के व्यक्ति हैं तो मैं तो ये बोलता हूं अगर आप सच में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम आपकी नॉलेज का ही एग्जाम नहीं होता आपकी नॉलेज प्रीलिम्स में टेस्ट होगी आपके व्यक्तित्व का एग्जाम है ये आपकी पर्सनैलिटी क्या आपके थॉट प्रोसेस का आपके सोचने समझने की क्षमता का आप कैसे इंसान हैं उस व्यक्तित्व का परीक्षण है तो अगर आप अभी यहां पर उसकी तैयारी के दौरान आप अपना असली व्यक्तित्व नहीं रख सकते ठीक है छुप छुप करके अलग अलग नाम लिख लिख करके आते हैं है ना कोई पापा का परा कोई पापा की परी कोई प्रिया कोई एंजल ठीक है कोई बाबा की भक्त ठीक है है कोई 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 कुछ कुछ पुतिन बनता डोनाल्ड ट्रंप बनता है कोई नरेंद्र मोदी बनता है अलग अलग नाम से। तो फिर आप समझिए कि एग्जाम आपके लिए है नहीं ये रियलिटी है क्योंकि आपका जिस तरीके का व्यक्तित्व तो आप दिखा रहे हो पता चल रहा है कि आप उस लेवल के उस टक्कर की चीज रखते नहीं है तो अगर आपको वो एग्जाम क्रैक करना है अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करना है तो उसका बदलाव आज से ही कीजिए अपने असली नाम से अपनी आईडी बना करके रखिए और उस असली नाम से जुड़िए आपके माता पिता ने कितना प्यार से कितना उम्मीदों से आपका असली नाम रखा होगा नामकरण कराया होगा दस पचास जगह से पूछा होगा पता नहीं कितना कितने जद्दोजहद करके तुम्हारा नाम रखा होगा नहीं मेरे बेटे का नाम तो है ना मैं यही रखूंगी और पापा कहे ना ना मेरा बेटा ग्रह नक्षत्र के आधार पर ज्योतिषी से पूछ करके मैंने नाम रखा है मंगल सिंह नाम रहेगा इसका इतनी उम्मीद है परा बने हुए हैं अब पता नहीं पापा का परा है कि पापा की परी है बस नाम बदल करके गए पापा का परा पापा की परी है ना एंजल प्रिया तो अपनी रियल पहचान बनाए रखना जरूरी है नहीं तो फिर कुछ नहीं हो रहा है चलिए देखिए जी वो वो स्टेटमेंट है गलत रहेगी वो गलत क्यों रहेगी क्योंकि लोकसभा का स्पीकर वही बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो वो लोकसभा का बनेगा ही नहीं आ, स्पीकर बन ही नहीं सकता सदस्य होना जरूरी है तो पहली चीज तो आपने ये देखी अब काम देख लेते इसकी शक्तियां और कर्तव्य तो जो सदन की कार्यवाही संचालन के लिए नियम विधि का निर्वहन ये उसका प्राथमिक कर्तव्य है अंतिम निर्णय होता है उसका ठीक है जो भी वो उसने बोला डिसीजन दिया वो फाइनल माना जाता है पूरी व्यवस्था को संचालित करना ठीक है आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम बात करते ना कि ये कहा गया भाई ये पिक्चर देखिए इस तरीके की पिक्चर देख करके आपको समझ में आएगा आपको मैं ओम बिडला की फोटो दिखाता हूँ फिर वहां से आपको समझ में आएगा कहां गया भाई यहां पर आ जाते हैं लोकसभा के अंदर कार्यकाल जो जितने भी लोग हैं उन सबको बोलने का कौन कब बोलेगा कितना टाइम देना है कौन मर्यादा में रह करके बोल रहा है कोई विशेषाधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा कोई अभद्र अभद्रभासा का प्रयोग तो नहीं कर रहा शोर शराबा तो नहीं कर रहा यानी कि पूरे काम का संचालन करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है और ये करते भी हैं 2019 के बाद भारत में मैंने तो ऐसा इस तरीके के स्पीकर पहली बार देखे जो इन्होंने इतना कंट्रोलिंग पावर दिखाई इतना बेहतर तरीके से लोकसभा को चलाया नहीं तो उससे पहले मैंने देखा कि हमेशा काम बाधित होता रहता था और इनका अपना ही अंदाज है, है। मौका देंगे माननीय सदस्य आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते लोकसभा में माननीय सदस्य मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाइए माननीय सदस्य मैं आपको फिर से चेतावनी देता हूं लोकसभा की कार्यवाही में सदन की कार्यवाही में विघ्न मत डालिए इस तरीके से संबोधित करते माननीय सदस्य अब माननीय सदस्य थोड़ा माननीय ज्यादा ही माननीय हो जाता है तो बात नहीं मानता सुनता ही नहीं विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है या लड़ाई झगड़ा कर रहे कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहा तो इनके पास पावर भी है इनके आसपास देखना दाएं बाएं जैसे इधर इनके थोड़े से दूरी पर खड़े रहते हैं तो हट्टे कट्टे जवान किस्म के जिनको बोला जाता मार्शल फिर ये इनको बोलेंगे कि माननीय सदस्य है, मेरे को आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी बस फिर वो अट्टे कट्टे जाएंगे चार लोग निकल कर जाएंगे दो लोग माननीय सदस्य के हाथ पकड़ेंगे दो लोग टांग पकड़ेंगे और अलादीन के चिराग अलादीन की जो वो चटाई थी ना जिसमें वो हवाई यात्रा करते हैं ऐसे झूलते झूलते तो उनको हवाई यात्रा कराते हुए पीछे भारत को छुड़वाते हैं छोड़कर के आते हैं तो कहने का मतलब दंड देने की भी शक्ति है इनके पास कि अगर ये कार्य कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं कोई उसमें विघ्न डालता है तो इनके पास दंड देने की भी शक्ति है उनको दंड भी दे सकते हैं ये भी है ठीक है जी आगे चलते हैं तो ऐसे मेरा भी आप सबसे तो निवेदन है कि माननीय दोस्तों माननीय एस्पिरेंट्स लाइक शेयर करते चले जाओ क्लास में इसको फैलाते चले जाओ सभी के साथ और जोश भर भर करके रखो तो पहला चीज तो कार्य संचालन देख लिया दूसरा एक और मेन काम की अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम और संसदीय पूर्वाधारणों का अंतिम व्याख्याकार होता है अब यहां से आपको दो चीजें समझाता हूं आपने यह देखा है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है ठीक है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायपालिका का वो संविधान का व्याख्याकार कहा जाता है इंटरप्रिटेशन करने की पावर है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वो करते हैं उसका फायदा आपने कई सारे मौलिक अधिकारों में देखा होगा लेकिन संविधान की व्याख्या संसद में भी हो सकती है जब संसद की कार्यवाही चल रही हो और उसमें संसद से संविधान से संबंधित कोई मुद्दा आया हो और उसके बारे में फैसला करना हो कि संविधान के अनुसार क्या चीज है तो उस समय स्पीकर के पास ये पावर होती है कि अपने सदन में वो संविधान की व्याख्या करके बताएं कि ये जो प्रावधान है वो क्या कह रहा है तो सदन के संदर्भ में यहां पर भी उनके पास व्याख्या करने का अधिकार है ठीक है लेकिन वो अधिकार सदन के लिए ही है संसद के अंदर स -स -स सदन के भीतर वहां पर ही है ऐसे ही बाकी कोई भी नियम प्रक्रिया उन सब का अंतिम व्याख्याकार स्पीकर रहेगा इसका मतलब यह है कि स्पीकर फाइनल है फुल एंड फाइनल है इसकी वर्डिंग एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो यह अपनी भी नहीं सुनेगा ठीक है वांटेड फिल्म का सलमान खान बन जाएगा एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता है ना तो ये उसी तरीके के रोल में रहेंगे मतलब कि बैठक चलाई जा सके जैसे लोकसभा में मान लेते साढ़े पांच सौ सदस्य है अब उनमें से पता चले दस बारह ही लोग आए बाकी सारे चले गए छुट्टी पर तो क्या दस बारह लोग सदन देश का कानून बनाएंगे क्या वो जनता का प्रतिनिधित्व होगा नहीं होगा तो ऐसे में सदन की संख्या का दसवा भाग जो है इसको गणपूर्ति के तौर पर रखा गया है यानी कि अगर लोकसभा के अंदर पचपन सदस्य और राज्यसभा के अंदर पच्चीस सदस्य रहेंगे तभी उस सदन की कार्यवाही चलेगी अगर इतने सदस्य नहीं है पीठासीन अधिकारी को मिला करके ठीक है तो पीठासीन अधिकारी सदन की जो बैठक है उसको क्या कर देगा स्थगित कर देगा कि भैया अभी बैठक नहीं होगी जब तक कि सब लोग ना आ जाएं अब इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है सदन बेस किसी भी मामले पर बहस होती है उसके बाद वोटिंग होती है ना पक्ष और विपक्ष की तो ये वोट नहीं डालते हैं लेकिन एक मामले पर इनको वोट डालने का मौका मिलता है और उसको बोला जाता है निर्णायक वोट कास्टिंग वोट कब होता है जब मत बराबर हो गए किसी मुद्दे पर मान लेते हैं कि एक बिल आया और उस बिल का ना, नाम है हिंदी मीडियम के लिए 50% परसेंट रिजर्वेशन सिविल सेवा में और उसके ऊपर वोटिंग हुई तो उसके जो पक्ष में थे वो भी 50% परसेंट रहे और उसके जो विपक्ष में थे वो भी 50% परसेंट रहे अब फैसला तो हुआ नहीं अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये सोले मूवी है और जय वीरू की तरह वो टोस उछाल करके फैसला कर ले कि हाँ टोस उछाल करके हेड्स या टेल टेल करके देख ले कि चलो ठीक है कौन जाकर के अब प्रयास करेगा अपना प्रेम का प्रस्ताव गोरी के सामने लेकर के जाएगा इस तरीके के तो निर्णय होंगे नहीं लोकतंत्र है मजाक नहीं है है ना फिल्म की कहानी नहीं है कि टोस से हो जाए ऐसे में स्पीकर को ये पावर दी जाती है कि भाई तुम आओ और तुम वोट डालो और तुम किसी को भी वोट डाल सकते हो तुम्हारी मर्जी है तुम अगर जिसके भी पक्ष में वोट डालोगे वो मामला वो पक्ष जीत जाएगा अगर हां के पक्ष में डालोगे तो पास हो जाएगा नहीं के पक्ष में डालोगे तो खारिज हो जाएगा तो यह चीज जो है स्पीकर के पास पावर है ठीक है इस चीज के ध्यान रखना अब इसके साथ साथ इसको कहा जाता है निर्णायक मत कास्टिंग वोट कास्टिंग वोट कास्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो गतिरोध था ना विरोध वो समाप्त हो गया इसी के साथ साथ संसद अध्य, अध्य, अध्यक्ष जो ना वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करते हैं जब लोकसभा राज्यसभा दोनों के बीच में गतिरोध हो जाता है किसी मुद्दे पर विवाद होता है ठीक है तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 से तो उस बैठक की अध्यक्षता जो है वो हमेशा स्पीकर करेगा स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं तो राज्यसभा के उपसभापति वो करते हैं तो ये इनके पास पावर है ठीक है जी संयुक्त बैठक के लिए अब आ जाते हैं बिल पास करने के लिए ये धन विधेयक कोई है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है इसका निर्णय करेगा हमेशा लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के पीठासीन अधिकारी ये सवाल आ चुके हैं आपसे स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाएगा और उस स्टेटमेंट में दे दी जाएगी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या यूं कहा जाएगा कि धन विधेयक का अंतिम प्रमाणीकरण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है क्या ये स्टेटमेंट सही होगी यस और नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ चलिए सभी लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में यस और नो क्या ये चीज सही होगी क्या ये कथन सही है लाइक से ठोकते चले जाओ यारो आप सब लोगों के लाइक शेयर की हमें बहुत जरूरत है आपके प्यार की बहुत जरूरत है ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी सही नहीं होगी लोकसभा के स्पीकर के पास इसके पीठासीन अधिकारी के पास ये पावर है ठीक है जी ये ध्यान रखना है अब इसके साथ साथ दसवीं अनुसूची में क्या है दल बदल के प्रावधान है लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता जो है उनको अगर हम बात करते हैं उनको हटाने तो ये दो तरीके से उनको हटाया जाता है निर्भरता का फैसला किया जाता है एक तो दल बदल के आधार पर तो दल बदल के आधार पर फैसला जो है लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे स्पीकर करेंगे और एक होता है जनप्रतिनिधित्व के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस उस पर फैसला राष्ट्रपति करते हैं तो यहां पर भी ये फैसला जो है वो करेंगे अध्यक्ष अब इसके साथ में ये ध्यान रखना है कि ये उनका फैसला फुल एंड फाइनल ऐसा नहीं है कि फुल एंड फाइनल है अगर किसी को लगता है कि पक्षपाती तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष ने मेरे पे दल बदल अधिक अधिनियम के तहत कार्यवाही की है तो वो उसको चुनौती दे सकता है कोर्ट में जा सकता है न्यायालय में जा सकता है ठीक है लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है ठीक है स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति नियम समिति सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष जो है वो रहता है ये हो गया अब लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में सारी की सारी चीजें वही है जो लोकसभा के स्पीकर के बारे में कुछ ही अंतर है बस क्या अंतर है समझिए इसका भी वोटिंग होती है वोटिंग के माध्यम से लोकसभा उपाध्यक्ष चुने जाते हैं ठीक है इस चीज को ध्यान रखना अब जब अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है उनकी पोस्ट थोड़े टाइम पर वो के लिए वो उस पर अनुपस्थित है बीमार हो गए ठीक है या कहीं चले गए या कोई भी कार्य पर्सनल पारिवारिक कार्य हो सकता है बेटी की शादी हो सकती है बेटे की शादी हो सकती है ठीक है कुछ भी चीज हो सकती है तो ऐसे में उनके स्थान पर कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष होते हैं डिप्टी स्पीकर जो है वो होते हैं ठीक है जी यानी अध्यक्ष का पद जब रिक्त हो खाली हो तो उस टाइम ये काम करते हैं अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष के पद पर काम करता है ठीक है जी अब एक और चीज ध्यान रखना है कि जब संसद की संयुक्त बैठक होती है उसमें भी अगर स्पीकर अध्यक्ष जो है वो उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करते हैं पीठासीन अधिकारी होते हैं और ये ध्यान रखना कि ये उपाध्यक्ष जो है ये अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते हैं यानी कि उसके नीचे नहीं होते हैं। ये केवल सप्लीमेंट्री के तौर पर होते हैं पूरक के तौर पर होते हैं जब अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है ठीक है जब अध्यक्ष अपने पद पर है तो ये व्यक्ति लोकसभा का एक सामान्य एक साधारण एमपी की भूमिका निभाता है एक साधारण सांसद होने की भूमिका के तहत वो संसद की सभी प्रक्रियाओं में भाग लेता है हर मुद्दे पर वोट डालता है, है? ठीक उसके भूमिका तभी शुरू होती है जब स्पीकर जो है वो अपने पद पर ना हो ये चीज ध्यान रखना ठीक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है अब एक और चीज आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझाता हूं मेरे दोस्त जब भी हम इनके अध्यक्ष की बात करते हैं ना लोकसभा के उपाध्यक्ष की तो क्या हुआ कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को लेकर के कई सारे अलग अलग प्रावधान थे दसवीं लोकसभा जो थी ना टेंथ लोकसभा दसवीं लोकसभा जो थी तब तक जितने भी उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर चुने जाते थे वो सत्ताधीन पार्टी रूलिंग पार्टी से ही होते थे ठीक है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही रूलिंग पार्टी से होते थे ठीक है जी लेकिन ग्यारहवीं लोकसभा से यह सहमति बनी ठीक है कि जो उपाध्यक्ष का पद होगा उपाध्यक्ष होगा यह पद जो है यह विपक्षी दलों के किसी व्यक्ति को चुना जाएगा इस पे रूलिंग पार्टी नहीं रहेगी अध्यक्ष तो फिर भी रूलिंग का रहेगा क्योंकि वोटिंग होती इलेक्शन होता तो इलेक्शन में तो स्वाभाविक सी बात है जो जिसकी सरकार है जिसकी सत्ता उसके पास बहुमत है तो स्पीकर तो उसी का बनेगा और डिप्टी स्पीकर भी उसी का ही बनता था पहले लेकिन अभी ग्यारहवीं लोकसभा से यह प्रावधान कर दिया कि कम से कम डिप्टी स्पीकर तो विपक्ष का बनाओ ठीक है तो डिप्टी स्पीकर के लिए सहमति बनी है इन सबके बीच में कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल से और उपाध्यक्ष जो है वो मुख्य विपक्षी दल से होगा ये समझ लेते हैं अब आ जाते हैं सामयिक अध्यक्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त ये इंपोर्टेंट क्यों है समझिए कोई भी लोकसभा का सदस्य जब तक वो शपथ नहीं ले लेता मान लीजिए इलेक्शन हुआ लोकसभा का कोई कैंडिडेट विजयी हुआ जीत गया जीत करके ये सांसद बन गया इसको कहा जाता है सांसद लेकिन ये तब तक लोकसभा का सदस्य नहीं कहलाता जब तक कि ये शपथ नहीं ले ले शपथ नहीं ले ले कसम नहीं खा ले मैं कसम खाता हूं फिल्मों में आपने देखा होगा गीता की कसम और अलग अलग उस न्यायपालिका में कसम देखते हैं और भी कई सारी कसमें आपने देखी होंगी वादे निभाएंगे हम मिलके रहेंगे जन्म जन्म है ना कितना प्यारा वादा है है ना इस तरीके के गाने आपने कस्में वादे निभाएंगे कई सारे कसम वादों के ऊपर खूब सारे सुने होंगे आप भी करते होंगे खूब सारे कसम खूब सारे वादे हैं ये वादा रहा साथ ना छोड़ेंगे तेरा है ना कसम खा के कहता हूं कि तेरे से ही प्यार है है ना ये मेरा वादा है कि तू ही है मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है है ना हमारे तो ऐसे ही देखो क्या होता है कि यहां पर जो सांसद हैं वो जब तक शपथ नहीं ले लेते ना तब तक ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं किसी भी तरीके की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते अब इनको शपथ दिलाने के लिए कौन आएगा क्योंकि पुराना वाला जो लोकसभा का स्पीकर था वो तो नई लोकसभा में काम कर नहीं सकता तो इसके लिए एक सामयिक अध्यक्ष जो है ना वो होता है इसको अस्थाई अध्यक्ष भी बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोटेन स्पीकर क्या कहा जाता है प्रोटेन स्पीकर प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है मेरे दोस्त ठीक है जी प्रोटेम स्पीकर क्या होता है राष्ट्रपति जो है ना वो क्या करते हैं लोकसभा के जो नई लोकसभा चुनकर के आई गई है इनका जो सीनियर मोस्ट मेंबर है जो वरिष्ठतम सदस्य है उसको वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं खुद ही शपथ दिलाते हैं खुद ही अपॉइंट करते हैं कर देते हैं कि भाई तुम सामयिक अध्यक्ष हो अस्थायी अध्यक्ष हो ये वरिष्ठ सदस्य जो है ये क्या करते हैं राष्ट्रपति खुद ही इनको शपथ दिलाते हैं ठीक है अध्यक्ष के समान ही शक्तियां होती हैं ये सबसे पहली चीज क्या करते हैं एक काम करते हैं वो ये कि नई जो लोकसभा है इसकी पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होते हैं पहली बैठक का कार्य संचालन करते हैं और इस पहली बैठक में वो दो काम करते हैं जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं ठीक है सांसद हैं इन सांसदों को शपथ दिलवाते हैं ठीक है जी आपने देखा होगा नई लोकसभा जब चुनी जाती है तो आप उनकी कार्यवाही आपने देखी होगी आपने एक बार किसी नेता के बारे में सुना होगा कि एक नेता थे वो आए सांसद बने और उन्होंने ले ली लेने के बाद वो डायरेक्ट वापस चले तो ऐसे में उनको वापस बुलाया गया और वो बोले शपथ लेने के बाद आपको साइन भी करना है एक रजिस्टर में उसके बाद आप जो है पूर्ण सदस्य कहलाओगे किस्सा काफी चर्चित हुआ था राजनीतिक गलियारों में काफी चला था यह तो ऐसा होता है कि वहां पर सभी सदस्य जाएंगे पीठासीन अधिकारी के नीचे वाले जो क्षेत्र है वहां पर जाकर के वहां पर वो शपथ लेंगे फिर रजिस्टर में साइन करेंगे फिर वो लोकसभा की कार्यवाही में भागीदारी करने के अधिकारी होते हैं तो सारे सांसदों को शपथ दिलवाते हैं शपथ दिलवाने के बाद ये लोग क्या करते हैं अब ये वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन सकते हैं भागीदार बन सकते हैं अब ये स्पीकर के चुनाव में वोट डालते हैं अब होता है स्पीकर का इलेक्शन ठीक है स्पीकर का चुनाव होता है जैसे ही कोई व्यक्ति स्पीकर चुन लिया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है इनकी पोस्ट खत्म हो जाती है समाप्त ऑटोमेटिक वेनिस है ना खल्लास ये हो जाता है ठीक है जी तो ये सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं अस्थाई अध्यक्ष इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है अब जो ये जो नए लोकसभा स्पीकर अब आप कहोगे कि सर ये स्पीकर चुन तो लिए गए अभी तो आप कह रहे थे कि लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाते हैं अब स्पीकर को शपथ दिलाए चल बस अध्यक्ष तो समझिए कि स्पीकर के लिए शपथ नहीं दिलाई जाती अलग से स्पीकर के लिए कोई ओथ नहीं होती है कि भाई स्पीकर बनने की ओथ है ना उसने ऑलरेडी ओथ ले ली है एक सांसद के रूप में तो जो सांसद के रूप में शपथ ले ली है उसी को ही मान लिया जाता है कि वो स्पीकर के रूप में भी उसकी शपथ है अलग से नहीं होती है ठीक है अब इसको लेकर के यूपीएससी बड़ा ही क्वेश्चन पूछता है अलग अलग एग्जाम वाले पूछते हैं अलग अलग एक एग्जाम एक में आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होने के बाद प्रोटेन स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी निभाता है क्या ये कथन सही है हां या ना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए लाइक शेयर करते चले जाओ यारो इतना भी वो ना रूठो हमसे लाइक शेयर करते रहो थोड़ा प्यार दिखाते रहो हमें भी प्यार की जरूरत है इंसान प्यार का भूखा होता है, है ना तो आप लोगों के प्यार की तो बहुत ही जरूरत है हमें तो क्या ये स्टेटमेंट कैसी रहेगी सही होगी कि गलत होगी तो ये स्टेटमेंट गलत होगी मेरे दोस्त सही नहीं होगी क्योंकि सामयिक अध्यक्ष प्रोटाइम स्पीकर का काम खत्म हो गया स्पीकर के इलेक्शन होते ही उसके बाद इसका कोई लेना देना नहीं है वो जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है वो निर्धारित करेगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इसका काम खत्म हो गया यहां पर प्रोटाइम स्पीकर हमने देख लिया ठीक है अल्पकालीन पद है खुद ही समाप्त हो जाता है अब आ जाते हैं राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको हम सभापति कहते हैं अब आपको जानकर के बड़ा इंटरेस्ट होगा क्या राज्यसभा के सभापति के लिए वर्ड सुनिए बगा बड़े ध्यान से क्या सभापति के लिए इलेक्शन होता है जैसे राज्य लोकसभा के स्पीकर के लिए आपने इलेक्शन देखा क्या सभापति के लिए अलग से इलेक्शन होता है कि भैया ये राज्यसभा का सभापति होगा सभापति बनने के लिए इलेक्शन होता है कि नहीं हाँ या ना सौरभ गोस्वामी ने नहीं कहा बस और बाकी लोग लगे हुए हैं कैसे हो आप क्योंकि आप ही हो क्यूट जी ज्योग्रफी वाह वाह थोड़ा यहां पर देख लो नहीं तो बाद की ज्योग्राफी वो क्यूट वो, जिसको तुम बोल रहे हो ना वो ज्योग्रफी बिगाड़ना भी जानती है दोस्त ठीक है जिस दिन वो ज्योग्रफी बिगाड़ देगी ना तुम्हारे तब पता चलेगा तो ध्यान रखिए उसके लिए अलग से इलेक्शन नहीं होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ठीक है और जो ये वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति ये पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं राज्यसभा के यानी कि कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो भारत का पदेन सभापति रहेगा ठीक है जी क्लास लंबी चलेगी लंबे समय तक बना रहना है जज्बा बनाए रखना है कम ही लोग एग्जाम पास करते हैं तो उन्हीं लोगों जो अंत तक टिकेगा वही जीतता है जो अंत से पहले ही भाग जाते हैं छोड़ जाते हैं मैदान छोड़ करके वो जिंदगी में भी ऐसे ही चलता रहता है कि जिंदगी छूटती चली जाती है तो एंड तक बने रहना आपको ठीक है जी अब जब हम राज्यसभा के सभापति की अगर हम बात करते हैं ना तो उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं इनके कार्य भी सेम जैसे लोकसभा के अध्यक्ष है वैसे ही कार्य शक्तियां होती है तो हम उसको अलग से नहीं देखेंगे कोई भी चेक करने की यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है सेम ही है ठीक है तो वो चीज हम स्किप कर सकते हैं एक जैसी शक्तियां है कुछ मामलों में अलग है केवल दो मामलों में अलग है कौन सा कि सबसे पहले तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा का स्पीकर के पास पावर है राज्यसभा के सभापति के पास कोई पावर नहीं है क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाएगा धन विधेयक है या नहीं ये केवल लोकसभा के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर बताएंगे राज्यसभा का इससे कोई लेने देना नहीं है दूसरी चीज संयुक्त बैठक की जब अध्यक्षता होती है पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं राज्यसभा के सभापति को कभी भी संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी बनने की जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कौन होता है पहले या तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो रहेगा स्पीकर नहीं है तो इसके बाद लोकसभा के जो उप उपाध्यक्ष हैं डिप्टी स्पीकर ये रहेंगे अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या होगा कि राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उपसभापति जिसको हम बोलते हैं उपसभापति उपसभापति उप ये रहेंगे राज्यसभा के सभापति के पास ऐसी कोई पावर नहीं है भारत के राष्ट्र उपराष्ट्रपति जो है वो इस तरीके की कोई भी चीज नहीं करते हैं अब एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको मैं बताता हूं देखिए अध्यक्ष जो है वो हो गया लोकसभा के और राज्यसभा के जो हो गए सभापति इन दोनों के अंतर देखिए ये क्या है ये लोकसभा का के सदस्य होने जरूरी हैं सदस्य होंगे ही होंगे अगर लोकसभा के सदस्य नहीं है तो नहीं चुने जा सकते सभापति जो है ना वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं ये ध्यान रखना सदस्य नहीं होंगे कभी नहीं होंगे ठीक भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा राज्यसभा किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं ठीक है जी लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर हैं अध्यक्ष हैं उनको लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है जी चलिए और बाकी मामला वही है पहली बार में वोट नहीं दे सकते मत बराबर होने की स्थिति में वोट डाल सकते हैं उपसभापति सेम उसी तरीके का कार्य करता है जिस तरीके से सभापति कार्य करते हैं बस अंतर यह है कि सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते उपसभापति जो है वो राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनता है यानी कि ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं मेंबर होते हैं इतना ही अंतर है और कुछ आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है इनका काम वही है जो राज्य लोकसभा के डिप्टी स्पीकर करते हैं जब स्पीकर नहीं है तो उनकी जगह पर वो काम करते हैं ऐसे ही जब भारत के सभापति नहीं है राज्यसभा के सभापति नहीं सॉरी भारत निकला राज्यसभा के सभापति नहीं है तो उनकी जगह पर कार्य करने की जिम्मेदारी राज्यसभा के उपसभापति की होती है ठीक है सेम ही चीज है और कुछ मामला नहीं है सारी की सारी शक्तियां जो है बराबर है चलिए अब बात कर लेते सदन के नेता की ठीक है जल्दी जल्दी आ रहे हैं काफी काफी एरिया हमने कवर कर लिया ऐसा नहीं है कि तो थोड़ा लेकिन बिल्कुल बहुत जल्दी भी भी इसको बहुत तेज भगा नहीं सकता हूं मैं काफी सारे लोगों को लगेगा सर भगा दो बस सर एक घंटे में बस संसद खत्म कर दो बस बस इतना बता दो ये, 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 ये। एग्जाम नहीं निकलेगा रिवीजन भी करना है तो चीजें ऐसी होनी चाहिए ना कि आपको थोड़ा चीजें माइंड में सेट हो जाएं या कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको भी एक बार ये तो लगे कि बेसिक सी चीज है क्या ये आखिरकार तो उस हिसाब से चलेंगे तो थोड़ी सी लंबी क्लास अपनी होती है लाइक शेयर बनता है करते चले जाओ जोश दिखाते चले जाओ जरा कैसे है भाई हाउस द जोश बताएंगे मैं सबक से पूछ रहा हूं हाउस द जोश कैसे है मेरे दोस्तों जोश हाउस द जोश डाटा की चिंता मत करो नींद की चिंता मत करो गाना है ना वो रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो ठीक है तो जो पढ़ो भाई मेहनत करो बस चिंता मत करो कि नेट खत्म हो रहा है अब कल कैसे चैटिंग करेंगे अपने प्रियवर से चाहने वालों भूल जाओ रात है अभी बची हुई बस क्लास चल रही है चलाओ पढ़ते चले जाओ ठीक है परेशान मत हो उसको नींद वींद भूल जाओ और हाई जोश रखो ठीक चलिए सदन के नेता को देखते हैं एक तो सदन के अध्यक्ष हो गए ठीक है अब सदन के अध्यक्ष के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता भी होता है सदन के नेता का मतलब है प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो वो लोकसभा में सदन के नेता ऑटोमेटिक हो जाएंगे ठीक है अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही एक एक सदन का नेता बनाना जरूरी है तो राज्यसभा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर सदन का नेता कौन होगा मान लेते कि लोकसभा में तो प्रधानमंत्री हो गए सदन के नेता क्या राज्यसभा का कोई भी मेंबर लोग राज्यसभा का नेता बन सकता है सदन का नेता बन सकता है ये आपको समझना है भारत में ये प्रावधान है कि केवल एक मंत्री एक मिनिस्टर वही सदन का नेता बन सकता है अगर वो मिनिस्टर नहीं है मंत्री नहीं है तो उसको आप सदन का नेता नहीं बना सकते ठीक है तो अगर राज्यसभा का भी कोई मंत्री होगा ना वही राज्यसभा का सदन नेता जो है वो कहलाएगा और अब आप कहोगे सर मंत्री कैसे तो इस चीज को समझिए भारत में जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं ठीक है मंत्री कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो ना लोकसभा ना राज्यसभा किसी का भी सदस्य ना हो फिर भी छह महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है ठीक तो दोनों सदनों से मंत्री हो सकते हैं हाँ यह बात है कि अगर राज्यसभा में सदन का नेता बनना है तो उस मंत्री को राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी मंत्री तो है लेकिन ना लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य है वो व्यक्ति सदन का नेता नहीं बनेगा ठीक है जी ये चीज ध्यान रख लेना अब सदन के नेता के साथ आ जाते हैं विपक्ष का नेता भी होता है सदन का नेता तो बेसिकली रूलिंग पार्टी से हो गया सत्ताधारी दल से हो गया अब विपक्ष भी तो है हमारा लोकतंत्र है लोकतंत्र किस लिए कि लोगों को बोलने की आजादी है अभिव्यक्ति की आजादी है कार्य करने की आजादी है तो ऐसे में विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार की आलोचना करके उसके गलत कामों को जनता के सामने उजागर करके एक बेहतर वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करके सही गुणवत्ता पर तर्क वितर्क करके हालांकि ये जितनी भी मैंने बात कही ये बातें आदर्शवादी अधिक प्रतीत होती हैं उन्नीस सौ के दस समय तक ये चीजें लागू होती थी उसके बाद से विपक्ष का जो रवैया है वो रवैया इस तरीके का नहीं रहा है उसके बाद का विपक्ष का रवैया तो तोड़ तोड़े गए कैसे बोल दिया तुमने ऐसे नहीं पास होने देंगे बिल मचाएंगे शोर ये क्या बोला वो क्या बोला है कोई जूता फेंक रहा है कोई चप्पल फेंक रहा है आपस में लगे डब्ल्यू डब्ल्यू करने लड़ाई करने सत्ता पक्ष वाले उधर से चिल्ला रहे हैं विपक्ष वाले इधर से चिल्ला रहे हैं सब भड़ास जितनी भी होती है अंदर की गुंडागर्दी सब वहीं पर जाकर के निकलती है और भारत में कि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि इतना कीमती समय जो सदन को चलाने के लिए है देश के विकास के लिए यूज होना चाहिए जिसके लिए इतना करोड़ों रुपए खर्च होता है एक एक बैठक के ऊपर कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते वो इन सब की ये फालतू की राजनीतिक लड़ाइयों के बीच में वेस्ट हो जाता है उनके भेंट चढ़ जाता है चलो अब बात कर लेते हैं विपक्ष के नेता एक विपक्ष के भी नेता होते हैं विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी ठीक है जिसके पास कुल सदस्यों का दसवा हिस्सा होना चाहिए कोई भी पार्टी जिसके पास कुल सदस्यों का दसवा हिस्सा होगा तो उसके नेता को विपक्षी दल का विपक्ष का नेता कहा जाता है विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है यानी कि लोकसभा में पचपन सीटें अगर आपके पास हैं ठीक है जी तो आपके पास आपकी पार्टी के नेता को लीडर को विपक्ष का नेता कहा जाएगा और विपक्ष का नेता बहुत महत्वपूर्ण पद है बहुत महत्वपूर्ण पद क्यों है क्योंकि यह कई सारी समितियों में भूमिका निभाता है कई सारी नियुक्ति की समितियां हैं उन नियुक्ति समितियों में आपको देखने को मिलेगा आपने जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम सुना है ऐसे ही कई सारे आयोग और कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों में जो समितियां बनती हैं उन कई समितियों में ये शामिल होते हैं ठीक है और इनको एक मिनिस्टर के स्तर का दर्जा जो है वो दिया जाता है वो सारी फैसिलिटीज वो वेतन भत्ते जो है वो मंत्री के समकक्ष जो है उनको दिए जाते हैं तो इतने महत्वपूर्ण पद है हालांकि ब्रिटेन में विपक्ष का नेता थोड़ा दमदार होता है थोड़ा मजेदार किस्म का होता है कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं देखिए ब्रिटेन को लेकर के जब हम बात करते हैं ना तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो जो एक तो पीठासीन अधिकारी की बात कर लेते हैं एक तो स्पीकर की बात कर लेते हैं भारत का जो स्पीकर है ना वो सत्ताधारी पार्टी से होता है जब वो स्पीकर चुन लिया गया तो भी वो सत्ताधारी पार्टी का सदस्य बना रहता है तो एक, एक निष्पक्ष प्रकार की जो परंपरा है या प्रक्रिया है नहीं है इसमें भेदभाव होने की संभावना होती है कि स्पीकर अपने पद पर जाकर के अपनी पार्टी के पक्ष में ज्यादा रुझान रखेगा लेकिन जो ब्रिटेन में है वो स्पीकर का जब इलेक्शन होता है जैसे ही कोई व्यक्ति स्पीकर चुन लिया जाता है तो वो अपनी पार्टी को छोड़ देता है पार्टी त्याग देता है पार्टी की सदस्यता त्याग देगा और एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पर कार्य करेगा पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए तो ये एक स्वस्थ परंपरा है जिसको हम बोलते हैं वहां पर इस तरीके का विभेद नहीं है तो ये एक ब्रिटेन में आपने स्पीकर को लेकर के देखा अब हम वहां पर बात करते हैं सदन के नेता की विपक्ष के नेता की अगर हम बात करें ना विपक्ष के नेता की विपक्ष के नेता तो ब्रिटेन में और भारत में क्योंकि हम इनकी तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसदीय प्रणाली है दोनों ही देशों में ठीक है और हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली अब भारत में तो आपने देखा कि विपक्ष का नेता होता है लेकिन वो क्वालिटेटिव डिबेट करने यानी कि गुणात्मक तर्क वितर्क करने सरकार को वैकल्पिक नीतियां पेश करने ठीक है उनकी गलतियां निकालने की बजाय सरकार के या सदन के कामकाज में बाधा डालने की कार्य अधिक करते हैं ठीक है जनता का पैसा व्यर्थ में उड़ाया जा रहे हैं जनता हम लोग आप लोग टैक्स भरते हैं मैं तो भाई टैक्स भर भर के मर गया मैं तो कई बार लगता है यार कि भगवान मेरे को टैक्स भरने के लिए पैसा था क्या जब पहले जेब में पैसे नहीं होते थे तब कुछ था नहीं, तब कुछ नहीं होता था अब जब कुछ कमाने लगे हैं तो उसमें सारा सरकार टैक्स ले जाती है पहले जीएसटी काटती है फिर टैक्स काटती है फिर उसके बाद कोई चीज सामान खरीदो उस पर टैक्स ठीक है कोई भी चीज लो उस पर भी टैक्स दो तो फिर लास्ट में जाकर के देखते हैं बचा क्या कि भाई कुछ भी नहीं बचा जब नहीं कमा रहे थे तब भी यही अकाउंट था आज भी यही अकाउंट है ठीक है चीजों में फर्क इतना सारा टैक्स और वो सारा टैक्स का पैसा आप ऐसी कार्रवाई में व्यर्थ लगा देते हो जहां के ऊपर जिसका कोई गुणात्मक परिणाम नहीं निकला कोई तर्कपूर्ण चीजें नहीं हुई ब्रिटेन में क्या होती है ब्रिटेन में जो विपक्षी पार्टी होती है जो विपक्ष होता है वो क्या करता है वो एक सेडो कैबिनेट बनाता है सेडो कैबिनेट इसको हिंदी में बोला जाता है छाया मंत्रिमंडल ठीक है छाया मंत्रिमंडल ये कहा जाता है अब इसके फायदे मैं बताता हूं क्या होता है जैसे कि पक्ष के अंदर सत्ताधारी पार्टी में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री गृह मंत्री, मंत्री अलग शिक्षा मंत्री इस तरीके के लोग होते हैं ऐसे ही विपक्ष जो है ना सेम टू सेम सत्ताधारी पार्टी की तरह ही अपना प्रधानमंत्री अपना वित्त मंत्री अपना रक्षा मंत्री अपना शिक्षा मंत्री गृह मंत्री, मंत्री अपॉइंट करते हैं अपना एक मंत्रिमंडल बनाते हैं हालांकि उनके पास शक्तियां नहीं होती हैं लेकिन वो बनाते हैं इसका फायदा क्या है कि मान लेते हैं कि एक नीति लेकर के आया सत्ताधारी पार्टी शिक्षा नीति तो शिक्षा नीति के लिए ऊपर ना केवल सत्ताधारी पार्टी बल्कि विपक्षी पार्टी है वो भी शिक्षा नीति के ऊपर अपना बिल अपनी रिकमेंडेशंस बना करके लाएंगे जो सत्ताधारी पार्टी उसको वहां पर पार्लियामेंट में पेश करेंगे संसद में जब पेश करते हैं तो उसके बाद ये अपना बिल भी पेश करते हैं और बताते हैं उसमें अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि देखो भाई हमने भी हमारा बनाया है लेकिन हमारे हिसाब से लगता है कि सत्ताधारी पार्टी यहां पर ये गलती कर रही है इस गलती को सुधार लेना चाहिए इसकी जगह ये वाली चीज यूज करनी चाहिए ये करेंगे तो जनता की ज्यादा भलाई होगी तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं वो मदद कर रहे होते हैं देश के विकास में रूलिंग पार्टी को एक तरीके से उसकी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहे होते हैं उसके बिल को और बेहतर बढ़िया बनाने में मदद कर रहे होते हैं और हमारे यहां पर क्या बिल्कुल नहीं होने देंगे पास शोर शराबा हाय हाय इस तरीके की चीजें चलती हैं हमारे यहां के तो ऐसे ऐसे महानुभवे विधायिका में बैठ करके ब्लू फिल्म देखते हैं ठीक है वैसे वो बैन लगाएंगे इंटरनेट पर की पोर्न साइट्स पर बैन और वही माननीय लोग संसद विधायिका के अंदर जाकर के बैठ करके, करके क्या? ब्लू फिल्म देख रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं क्या ताश खेल रहे हैं वहां पर कैसे कैसे वीडियोस आपने देखे होंगे बहुत सारे ठीक तो ये फर्क है इसीलिए वहां पर देखोगे ना इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नागरिकों की सुविधाएं इतनी है ब्रिटेन के अंदर तो ये सैडो कैबिनेट बनाते हैं मदद कर दी लेकिन इसका फायदा विपक्ष को क्या हुआ अब आप कह सकते हो ना कि सरकार सर सत्ताधारी पार्टी को तो फायदा हो गया लेकिन विपक्ष को क्या फायदा हुआ तो विपक्ष को फायदा ये हुआ मेरे दोस्त कि अगली बार या अगली बार नहीं तो उससे अगली बार कभी ना कभी तो इनकी पार्टी की भी तो सरकार बनेगी और इनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये जो लोग जिन्होंने सैडो कैबिनेट के तहत काम किया चीजें की तो इनको राजनीतिक प्रशिक्षण तो मिल गया ट्रेनिंग मिल गई ना पहले ही तो इनके विपक्ष के नेता को भावी प्रधानमंत्री कहा जाता है कि भविष्य में ये प्रधानमंत्री बन सकता है बाकी जो कैबिनेट में तो वो भावी मंत्री कहलाते हैं और उनको मंत्री और प्रधानमंत्री बनने बनने से पहले ही सारी क्रियाविधि सारे कामकाज के अच्छा अनुभव हो गया ट्रेनिंग मिल गई इसीलिए विपक्ष का एक सशक्त लीडर आपको हमेशा मिलेगा भारत में मिलता है भारत में विपक्ष का लीडर देख रहे हैं आप पिछले दस साल से गायब है आप यूं कह दो विपक्ष में कोई एक व्यक्ति अपोजिशन में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सर्वमान्य रूप से सब कुछ पता हो स्वीकृत हो अनुभव हो है ही नहीं गायब है कुछ भी नाम लोग गायब है सब लोग फिलहाल विपक्ष ही खत्म हो रखा है सोचिए विपक्ष खत्म हो जाना लोकतंत्र के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण चीज है यह अच्छी चीज नहीं है ठीक है क्योंकि इससे क्या है कि एक ही पार्टी को अपनी मनमर्जी चलाने का अधिकार मिल जाता है लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में दिक्कत कि सब लोग अपनी अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा सोचते हैं लोगों के बारे में कोई सोचते ही नहीं ठीक है अब लोगों के बारे में सोचेंगे तब जाकर के चीजें होती हैं तो भारत में तो विपक्ष है नहीं हाल फिलहाल में तो एकदम बिल्कुल समाप्त है और मेरे को नहीं लगता कि आने वाले चार पांच तीन चार पांच साल तक कोई भी विपक्ष में रह गए क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री वो इतने सशक्त हैं इतने मजबूत हैं और काम भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं ठीक है तो उनके टक्कर का कोई नेता होना वर्तमान समय में फिलहाल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा प्रतीत हो नहीं रहा ये एक तरीके से अच्छी बात भी है तो एक तरीके से दुर्भाग्य भी है ठीक है क्योंकि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भारत में कोई एक ऐसा नेता और नहीं मिल रहा जो लगे कि हाँ भैया विपक्ष का नेता कहलाने लायक है ये भी चीज है ठीक है जी चलिए तो सदन के नेता भी हो गए अब विपक्ष के नेता भी हो गए अब आ जाते पे, है खड़ा कर रखे, एक, एक में खड़ा कर रखे सारे चुपचाप खड़े डरे सहमे और इस हंटर से डरा रहे अब आप ये मत सोच लेना ये कोई अत्याचारी शासक है इनको डरा रहे पिटाई कर रहे हैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर है कोई अं आहा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं आहा, असरानी ऐसा नहीं है यह विहिप को दिखाता है विहिप क्या होता है समझिए ना समझिए देखिए आपको समझाता हूं अगर हम बात करते हैं कि विहिप का कार्यालय जो है वो ना तो संविधान में है ठीक है संविधान में नहीं दिया गया अगर इसकी बात करते हैं प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वे सत्ता में हो या विपक्ष में संसद में अपना विहिप वो बनाते हैं ठीक है उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ में पार्टी का सहयोग करे वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है इस चीज को समझिए जब भी हम बात करते हैं विहिप आपने कई बार सुना होगा कि सरकार ने विहिप जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया विहिप कांग्रेस ने जारी किया विप अब कई बार लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वह जारी करने का क्या मतलब होता है इसका मतलब समझिए हर पार्टी का अपना एक व्यक्ति होता है एक व्यक्ति को वो अपॉइंट करते हैं ठीक है जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर होता है टीचर एक मॉनिटर अपॉइंट करके जाते हैं ना कि भाई बच्चों मोनिटर नजर रखो सब पे कि कौन कौन शरारत कर रहा है जो शरारत कर रहा है उसको पहले तो चुप कराओ नहीं चुप कर रहा तो मेरे को बताओ फिर मैं आकर के सजा दूंगी मुर्गा बनाऊंगी मुर्गी बनाऊंगी या टेबल पे खड़ा कर देंगे कुछ भी सजा दे तो ऐसे ही एक मोनिटर टाइप का व्यक्ति जो है हर पार्टी नियुक्त करती है उसको कहा जाता है सचेतक सचेतक विहिप इंग्लिश में बोलते हैं सचेतक हिंदी में बोलते हैं उसका काम है कि वो ये देखे कि उसकी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी पार्टी के आदेशों का पालन कर रहे हैं कि नहीं क्योंकि भारत में दल बदल एक बहुत बड़ी समस्या है सरकार गिराना बनाना सर दलों का टूटना ये सब बहुत बड़ी समस्या भारत में 1980-90 के दशक से ही चलती आ रही खास करके 1990 के दशक से तो ऐसे में अपने लोगों के ऊपर अपनी पार्टी के सांसदों के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है कि कहीं कोई बह ना जाए है ना कहीं कोई फिसल ना जाए पिघल ना जाए से आप लोगों में से बहुत सारे लोग पिघल जाते ना कई सारे लड़के लोग खास करके किसी ने लड़की की फोटो लगा करके हाय हेलो बोल दिया तो वैसे तो मैं बड़ा सख्त लोडा हूं लेकिन यहां पिघल गया दिल जीत लिया तुमने मेरा नाम लेकर के हाय बोल करके अब मैं बह गया भावनाओं में अब अब तुम बोलो अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा अब मैं चैटिंग करूंगा तुम्हारे साथ वो हो सकता है कि तुम्हारे साइड का बगल का दोस्त लड़की बनकर के कर रहा हूं सेम चीज अपोजिट जेंडर में भी हो सकती है कि लड़की और लड़के वाला दोनों में हो सकता है लड़कों में भी लड़कियों में भी है ना तो टाइम वेस्ट करा दिया तुम्हारा पढ़ाई भी नहीं कर पाए अब वहीं पर तुम्हारे ऊपर एक तुम्हारे फ्रेंड हैं या तुम्हारे भाई हैं या तुम्हारी बहन है वो तुम पर नजर रख रहे हैं कि ये क्लास में तो क्लास में क्या कर रहा है किस तरीके के कमेंट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे और पकड़ करके तुम्हारी शिकायत कर दी माता पिता से कि देखो आपके सुपुत्र को सपने संजोए थे आपने इनका कि लड़का जाएगा आईएस वाई एस बनेगा मेहनत करेगा ये कर रहा है लड़का मेहनत आपका इस तो छोड़िए वो तो वहां पर पापा की परी के चक्कर में पड़ा है और पता भी नहीं वो पापा की परी मैं ही हूं इसका भाई देखो पापा ऐसा वो तो उसने अपने पापा को जगा दिया तुम्हारे बारे में शिकायत कर दी पापा को तुम्हारी कमी पता चल गई कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे जो रिस्पांसिबिलिटी थी वो तुमने नहीं, नहीं नहीं भाई पापा ने क्या किया पापा या मम्मी ने कि आ जा बेटा अब से तुम्हारा बाहर बैठकर पढ़ना बंद खर्चा पानी बंद चलो तुम निकलो वहां से वापस आओ ठीक है तो बेसिकली सचेतक का काम भी वही है वो क्या करता है नजर रखता है पैनी नजर रखता है अपने सारे सदस्यों के ऊपर कि हाँ, पार्टी ने आदेश दिया है वोटिंग के टाइम किसके पक्ष में वोट डालना है सभी उसी के पक्ष में डाल रहे कि नहीं डाल रहे ठीक है अगर नहीं डाल रहे तो उसको पता रहता है कि इसने गड़बड़ी किया फिर वो कार्रवाई करते फिर उसके ऊपर दल बदल का कानून लागू करा दिया जाता है यानी कि पार्टी के आदेशों का पालन कराना सुनिश्चित कराना ये विप की जिम्मेदारी है सचेतक की जिम्मेदारी जो है वो होती है ठीक है जी क्लियर तो ये इस तरीके से नजर रखता सबको कंट्रोल में रखता ये हंटर के साथ ये सारे लोग डरते हैं विप से उनको पता है कि कोई भी पंगा को उल्टा सीधा किया विप को पता चला सचेतक को पता चला पार्टी से सदस्यता गई ठाकुर तो गियो करण अर्जुन मूवी उसमें कहा ना ठाकुर तो गियो संसद सदस्य तो गियो तो गियो फिर को नहीं तो ये काम होता है सचेत सचेतक का ठीक है जी चलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है अगर वो उसका काम नहीं करते अब संसद के सत्र देख लेते हैं कि कौन कौन से सत्र होते हैं किस तरीके के सत्र होते हैं इस सत्रों के बारे में देख लेते हैं तब तक आप लोग जरा एक बार जोश बताएंगे मेरे सारे दोस्त हाउस द जोश कैसे है जोश हाउस द जोश जिंदा होगी नहीं देखो मैं आपके साथ इतनी देर से नो स्टोप बोले जा रहा हूं एकदम एनर्जी में कहीं गिरावट आई नहीं आई ना एनर्जी एंड तक बनी रहेगी ठीक है खूब आप लोग एक हाई सर आंसर देना चाहिए और लाइक शेयर ठोकते चले जाओ यार क्या बात है क्या बात है ये हाई जोस्त रखो लाइक शेयर जरूर करो यार लाइक शेयर करते चले जाओ अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर लो इतनी देर में एक दो किलो लो सर क्लास ले रहे हैं आ जाओ बच्चों देख लो भला हो जाएगा उनका भी थोड़ा है ना और आप में से जितने भी दोस्त है ना अगर आप अन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त ये पोर्ड लगाओ यार ये रेफरल कोड है मेरा इस कोड को अप्लाई करके कोर्स लेना रेफरल कोड का नाम है एल वाई एल आई वीई जब भी का कोर्स ले कोड लगाना इससे आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा और मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको एग्जाम पास होने तक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आने दूंगा वन ऑन वन गाइड करूंगा एक दोस्त की तरह एक टीचर कम दोस्त की तरह गाइड करूंगा ज्यादा जानकारी चाहिए मेरी टीम से बात कर लो सब्सक्रिप्शन से पहले मेरे से बात करनी है तो मेरी टीम को बोलना वो मेरे से बात करा देंगे नंबर कहां मिलेगा उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला फिर से बोलता हूं अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला उसको जाकर के ज्वाइन कीजिए वहां पर सारे नोट्स भी हैं, नंबर भी है टीम का पीडीएफ भी है अगर कोई पीडीएफ कोई नोट नहीं मिलता कुछ जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरी टीम को जो नंबर वहां पर दिया गया है वो व्हाट्सएप पर भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ नोट्स आपके पास पहुंचा देंगे ठीक है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो उनको बोल सकते हो कि सर से बात करनी है एडमिशन के रिगार्डिंग तो वो भी करा देंगे और सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है वो जानकारी भी दे देंगे रेफरल कोड याद रखिएगा ये अप्लाई करना है जब भी कोर्स लें कभी भी लें जब भी लेना चाहें कोड के रूप में एलवाई लाइव लगाइएगा ये रिक्वेस्ट है आपके साथ एंड तक बने रहेंगे ठीक है जी चलिए आगे चलते हैं संसद के सत्र अगर हम बात करते ना संसद में सत्र में को आहूत करना अब संसद का सत्र ऐसा नहीं है कि अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा यह राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है ठीक है उनको बुलाता है मिनिमम कम से कम साल के अंदर एक सदन के दो सत्र दो वो तो होनी ही होनी चाहिए ठीक है अधिकतम अंतराल एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में छह महीने का हो सकता है छह महीने के गैप से ज्यादा का गैप एक सदन की दो बैठकों के बीच में नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसका मतलब संस, जो संसद का जो सत्र है उसका आह्वान करना उसको आहूत करना वो राष्ट्रपति का कार्य है उसका वो है ठीक सामान्यतः वर्ष में तीन सत्र होते हैं ठीक है जी तीन अलग अलग सत्र होते हैं अगर आपने उनका नाम सुना हो तो मैं आपको बता देता हूं जितने भी हमारे दोस्त हैं एक तो बजट सत्र होता है फरवरी से मई एक मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर और एक शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर ठीक है बजट बजट सत्र मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र ये तीन सत्र आमतौर पर होते हैं लेकिन कई बार हो सकता है कि कोई एक पूरा सत्र ही ना हो पाए कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई जैसे कोरोना जैसी तो उसके बावजूद भी दो छह महीने के भीतर भीतर दो सत्र तो आपको करने ही करने हैं ठीक है थीके? अब संसद का प्रथम सत्र बैठक से लेकर के सत्राव शान के मध्य की समय अवधि है यानी कि जब से शुरू हुआ और जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक उसको सत्र कहा जाता है मान लेते हैं कि एक दो 2022 को सत्र बुलाया गया और एक चार दो हजार बाईस को वो सत्र खत्म हो गया ठीक है ये आखिरी बैठक थी ये पहली बैठक थी इसको बोला जाता है सत्र को बुलाना और ये मान लेते हैं कि आखिरी बैठक थी तो इसको बोला जाता है सत्रावसान सत्र खत्म हो गया इस दौरान जितना काम चल रहा है उसको बोला जाता है कि संसद का सत्र चल रहा है ठीक है जी तो पहले दिन जो है वो आप देखना उसको जब सत्र बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति करते हैं सत्रावसान उसको समाप्त करने का काम जी जो है वो भी आप देखेंगे वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे अब बात कर लेते हैं स्थगन स्थगन का मतलब क्या होता है कि जब संसद में बैठक बुलाई जा रही है डेली बैठक होती है मान लीजिए आज के दिन एक बैठ, बैठक हुई और आज की कार्यवाही खत्म हो गई तो इसको बोला जाता है कि अब मीटिंग जो है बैठक जो है वो स्थगित हो गई है और उसके बाद फिर वो एक जो स्पीकर है ना पीठासीन अधिकारी वो आपको एक तारीख समय बताएंगे कि अगली बैठक जो है वो कल होगी ग्यारह बजे प्रारंभ होगी ठीक है और दिन भी बताएंगे सन भी बताएंगे तारीख के साथ बताएंगे इसको बोला जाता है स्थगन क्या आज का काम समाप्त हो गया अब कल मिलेंगे या कल छुट्टी है तो परसों मिलेंगे परसों छुट्टी है तो उससे अगले दिन मिलेंगे इसको बोला जाता है स्थगन ठीक है जी सुबह की ग्यारह बजे ये ज्यादा आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है आपको प्रश्न काल और वो मैं बताऊंगा तो उसमें कर सकते हैं ठीक है जी अनिश्चित काल के लिए स्थगन की अगर आप बात करोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं जब सदन की एक बैठक को स्थगित करके दूसरी तारीख दी जाती है कि अगली बैठक कब होगी बताया जाता है उसको बोला जाता है स्थगन जब एक बैठक स्थगित कर दी गई आज की समाप्त हो गई और अगली बैठक के लिए कोई तारीख नहीं दी गई कि अगली बैठक कब होगी तो इसको कहा जाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन

का काम खत्म हो जाएगा फिर कहेंगे शीतकालीन सत्र इसको कहा जाता है सत्रावसान अब सत्रावसान बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है देखिए स्थगन कौन करता है सभापति या स्पीकर ठीक है पीठासीन अधिकारी अनिश्चित काल के लिए स्थगन कौन करता है वो भी पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं लेकिन जो सत्रावसान है सत्र को जो एंड कर देते हैं ये काम करते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करेगा ठीक है राष्ट्रपति के पास पावर है ठीक अब आ जाते हैं पर जाने से पहले हमारे एक बहुत ही प्रिय राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति के कुछ मोटिवेशनल से थोट आपके लिए लिए जो आप सबके खास करके आप सभी जितने भी हमारे दोस्त हैं देखिए लाइन बाय लाइन एम लक्ष्मीकांत बाई में ले आऊंगा मेरे दोस्त स्पैम मत करो बार बार कमेंट करके आ जाएगी इसको पूरा करा लेने दो तो, जैसे ये रिवीजन सीरीज कंप्लीट होती है मैं ले आऊंगा आप चिंता मत करो उसको स्टार्ट करेंगे

ये जो कथन है ये स्टेटमेंट है इसको ध्यान रखें कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो देखिए हर कोई बनना चाहता है आईएएस बड़ा आदमी लेकिन कोई ऐसे ही आई, एस, आई बड़ा आदमी या बहुत सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन जाता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को झोंकना पड़ता है ठीक है चना तभी बनता है जब वो भाड़ में जाता है भाड़ का मतलब यूं में समझ लेना जैसे तुम लोग डायलॉग मारते हो भाड़ में गए भाड़ में गए ठीक है मेहनत करोगे तो फल मिलेगा तो बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी हीरा तुम्हें लगता है हीरा जो देखते हो डायमंड आप लोग देखते हैं वो ऐसे बन जाता है कितना ज्यादा उसको तपाना पड़ता है कितना ज्यादा तपने के बाद वो हीरा बनता है तब इसलिए उसकी कीमत इतनी महंगी होती है ठीक तो वो वाली सक्सेस चाहिए ना वो वाली मेहनत वो वाला चारित्र चाहिए तो उसके बाद आपको उसके लिए खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी हिम्मत नहीं आ रही है आगे बढ़ते चले पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बाकी मैं हूं ही आपके साथ कभी भी मोटिवेशन डाउन हो ना आपका कभी भी लाइफ में मोटिवेशन डाउन हो समस्या आए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ललित यादव की पाठशाला के नाम से है फेसबुक पर फॉलो कर लो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो ललित यादव की पाठशाला को वहां पर आपको इतनी मोटिवेशनल चीजें मिलेंगी मोटिवेशन का खत्म ही नहीं होगा डोज इतनी सारी चीजें बेहतरीन देखने को मिलेंगी लाइफ के बारे में रियलिस्टिक चीजें मोटिवेशन ही मोटिवेशन बना रहेगा ठीक है थीके? लेकिन फॉलो करो ललित यादव की पाठशालों को जुड़ो हमसे चलिए तो विघटन की बात करते हैं विघटन का मतलब है कि अब काम खत्म खल्लास अब कोई नई बैठक नहीं होगी कोई नया सत्र नहीं होगा अब तो नया चुनाव होगा और नए चुनाव में नई लोकसभा बनकर के आएगी और नई लोकसभा में उसी की पार्टी को बहुमत मिलेगा जिसने पिछले चार पांच साल के अंदर जनता की सेवा की जनता पे प्रभाव जमाया वेलफेयर स्टेट के लिए कार्य किया ठीक है तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती आपने देख लिया था क्योंकि स्थायी सदन है ठीक है लोकसभा जो है इसका विघटन होता है इससे इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है यानी कि लाइफ खत्म काम खत्म सरकार खत्म सब कुछ खत्म अब सारी चीज नए सिरे से होगी जिस तरीके से इंसान की मृत्यु हो जाती है ऐसे ही यहां पर मान लेते हैं कि वर्तमान लोकसभा की मृत्यु होगी खत्म हो गया मामला अब उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा पुनः अवतार लेना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे ही नई लोकसभा बनती है नए चुनाव होते हैं विघटन का मतलब फिर नए ही चुनाव होंगे अब यहां पर यूपीएससी है ना आपको फंसा देगा फंसाएगा कैसे वो कहेगा कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और जितने भी मेरे दोस्त यहां पर जिंदा हैं, जीवित हैं, जागरूक हैं, जोरदार जबरदस्त तरीके से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया इस कथन के अंदर वो इस सवाल का जवाब देंगे निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन विघटन विघटन के द्वारा संसद के एक सदन की बैठक समाप्त होती है दूसरा कथन दिया जाएगा स्थगन के माध्यम से संसद का पूरा का पूरा सत्र समाप्त हो जाता है तीसरा कथन दिया जाएगा अनिश्चित काल के स्थगन का मतलब अब लोकसभा भंग हो गई और नए इलेक्शन होंगे ये तीन स्टेटमेंट दे दी गई अब आपको कहा जाएगा उपरुक्त में से सही कथन चुनिए कौन से सही थे और विकल्प दिए जाएंगे ए एक सही बी दो और तीन सही सी एक दो तीन सही और डी तीनों गलत कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या आंसर रहेगा जल्दी से आंसर दीजिए जितने भी जिंदा हैं जीवित हैं वो सब लोग आंसर देंगे इसका क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया आंसर आना शुरू हुआ कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू किया वेरी गुड यार बहुत बढ़िया राहुल सौरव नेहा प्रीति उत्कर्ष पूजा मेहरोज आदिल कृतिका और भी जितने भी दोस्त हैं सागर ममता जिन जिनका भी नाम है गजल नील कामेश्वरी दुर्योधन पूजा ध्रुव और जिनका भी नाम जल्दी जल्दी में निकल गया ध्यान तीनों स्टेटमेंट गलत हैं एक भी स्टेटमेंट सही नहीं थी डी इसका करेक्ट आंसर आएगा तीनों गलत इसका मतलब आप में से मैक्सिमम लोग सो रहे थे नींद में थे एक भी सही नहीं है भाई सारी की सारी गलत है ठीक है इसका मतलब इसको आपको दोबारा से रिवाइज करके देखना है जब क्लास खत्म होगी तो कमेंट बॉक्स करके बताना है कि विघटन क्या होता है ठीक है स्थगन क्या होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या होता है ये सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे आपका होमवर्क है पिछले वीडियोस पर मैंने देखा कुछ ही लोगों ने कमेंट किया सबने नहीं किए लेकिन जिन जिन ने कमेंट किया उनका नाम मेरे को याद है आप भी करना ठीक है चलिए अब लोकसभा का विघटन दो कारण से हो सकता है या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए पांच साल का या सरकार गिर जाए है ना सरकार के पास बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति सदन को समय से पहले विघटित करने का निर्णय ले या सरकार खुद राष्ट्रपति के कहे कि भैया हम इलेक्शन कराना चाहते हैं समय से पहले पांच छह महीने पहले विघटित करने कर दो इन परिस्थितियों में लोकसभा का विघटन किया जा सकता है गणपूर्ति मैंने आपको पढ़ाई दिया है कोरम तो इसके ऊपर यहां पर दोबारा से करने की जरूरत नहीं है इससे पहले मैंने करा दिया था गणपूर्ति तो इसको हम स्किप कर रहे हैं यहां पर ठीक है जी चलिए अब मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार देख लेते हैं इस पर आ जाते हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें ही करेंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिविजन जो है वो मैं यहां पर करा दूंगा ठीक है जी तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग जरा जोश दिखाएं नंबर वंबर सब टेलीग्राम पर मिलेगा टेलीग्राम का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला तब तक हाउस द जोस का आंसर दीजिए आप सब लोग हाउस द जोस कैसा जोश हाउस द जोस जिंदा है कि नहीं एक हाई सर आंसर होना चाहिए हाई जोश हमेशा बना रहना चाहिए जिंदा वही है जो है, ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखिए आपको पता है हमारे संसद को लेकर के कुछ स्पेशल पावर्स जो है मंत्रियों को और महान्यायवादी को दी गई है महान्यायवादी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं फिर भी बता देता हूं महान्यायवादी सरकार का वकील होता है ठीक है इसको वकीलों का वकील भी कहा जाता है अब एक सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार होते हैं कि सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कार्यवाही में भाग ले सकता है संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है किसी भी समिति ठीक है उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं इसका मतलब समझिए देखिए मंत्री के जो महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य नहीं होता है मंत्री जो है वो या तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा उसमें भी एक अपवाद है कि छह महीने तक बिना लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हुए भी मंत्री हो सकता है तो हम मान लेते हैं कि एक मंत्री है और ना तो लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य और महान्यायवादी वो तो सदस्य होता ही नहीं इसके बावजूद ये दोनों व्यक्ति मंत्री और महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा दोनों में जा सकते हैं सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं बोल सकते हैं समिति का हिस्सा रह सकते हैं एक चीज नहीं कर सकते जिसको बोलते हैं वोट वोट नहीं डालेंगे मतदान के अधिकार के बिना क्योंकि वोट तो वही डालेगा जो सदस्य होगा ठीक है तो बस वोट नहीं डाल पाएंगे दूसरा अगर मान लेते कोई एक मंत्री है जो लोकसभा का मेंबर है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल लोकसभा में ही रहेगा वो राज्यसभा में भी जा सकता है बोल सकता है वहां की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन राज्यसभा में वोट नहीं डाल पाएगा ऐसा क्यों इसका रीजन ये है कि मंत्री के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है ना मान लीजिए शिक्षा मंत्री है पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके ऊपर तो उससे संबंधित उससे सवाल जवाब लोकसभा में भी किए जा सकते हैं राज्यसभा में भी किया जा सकते हैं तो एक मंत्री होने के नाते अपनी जो नीति उसने बनाई शिक्षा नीति मान लेते बनाई उस नीति का जवाब देने का उत्तरदायित्व तो भी उसका है तो वो दोनों सदनों में जाकर के जवाब देगा दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है ठीक है जी ये चीज ध्यान रखिएगा तो ये अधिकार आपने देख लिया अब एक बड़ा ही फेमस एक कथन कई बार आता है कि लेम डक क्या होता है लेम डक सत्र लेम डक को मैं समझाता हूं आपने क्रिकेट के अंदर क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट के अंदर मैच देखते हैं कि नहीं देखते कोई बैट्समैन आउट हो जाता है पहली बॉल पर तो उसको बोलते हैं गोल्डन डक एक बतक चलती हुई दिखाते हैं ना आगे से क्रिकेटर के आउट होते पहली बॉल पर वो आउट हो गया हो सकता है पिछले मैच में सेंचुरी मारी हो और इस बार पहली बॉल पर आउट हो गया तो हो गया गोल्डन डक ऐसे ही यहां पर लेम डक का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं और उनका नाम है प्रभुदेवा ठीक है चलो प्रभुदेवा का ले लेते उनका गाना सुन रहा था मैं तो उन्हीं का नाम याद आ गया मान लेते प्रभु देवा है और वो लोकसभा के एमपी थे ठीक है बहुत भारी मतों से जीत कर गए मंत्री भी रहे अगली बार इलेक्शन होता है नया नए इलेक्शन में भी वो इलेक्शन लड़ते हैं खड़े होते हैं लेकिन अब लोग प्रभुदेवा के डांस से भर चुके थे मन उनको हो सकता है कि अब उनको नहीं अच्छा लगता उनका डांस अब वो प्रभुदेवा की जगह गणेश आचार्य कुछ सुनना चाहते हैं गणेश आचार्य वो भी बढ़िया डांसर है खतरनाक कोरियोग्राफर है, है ना अब वो कह रहे कि नहीं हम गणेश आचार्य तो वो किसी और को चुन लिया गया और प्रभुदेवा इलेक्शन हार गए तो इस चीज को बोला जाता है लेमडक यानी कि कोई एक व्यक्ति जो पहले सांसद था अगले चुनाव में वो हार गया इलेक्शन लड़ा और हार गया वो लेमडक कहलाएगा ठीक है नई लोकसभा के अगर हम बात करें वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते लेमडक कहलाते हैं ठीक है जी उनको हम कहते हैं लेमडक अब चलिए संसदीय कार्यवाही के साधन देख लेते हैं कि संसद में किस तरीके से कार्यवाही होती है किस तरीके से कार्य चलता है इसके ऊपर आ गए अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चीजों को खींचेंगे ठीक है मेरे दोस्त अगर आप कहोगे तो क्या चाहते हो इसको मैं आज ही कंप्लीट कराऊं या इसको बाद में कंप्लीट कराऊं एक और सेकंड पार्ट लेकर गए या आज ही मैं इसको करा दूं कंप्लीट आज कंप्लीट करा दे या एक और पार्ट लेकर के आए देखो हो क्या गया दिक्कत क्या हो रही है संख्या घटती चली जा रही है अब आपकी संख्या घटती है तो मोटिवेशन हमारा भी डाउन होता है दिल टूट जाता है अब मैं देखता हूं यार आए थे तब तो इतने सारे लोग थे और अब वो लोग गए इधर इधर बिखरते चले गए बिखरते चले गए बिखरते चले गए आप लोग फिर लाइक शेयर भी तो नहीं करते ना आप लोग अगर लाइक शेयर भी करते रहे तो मैं इसको बेहतरीन कर दूं, बढ़िया तरीके से कर दूं लाइक शेयर करते यार आप लोग, और कोड को यूज करा करो एलवाई लाइव रेफरल कोड उसको भूलना नहीं है उसको याद रखना है हमेशा ठीक है जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो एलवाई लाइव कोड अप्लाई करके ज्वाइन करना आपकी पूरी प्रॉपर हेल्प होगी पूरा प्रॉपर मैं गाइड करूंगा आपको कभी भी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे ठीक है जी तो मेरे को लगता है कि अगर अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो ढाई घंटे का सेशन कम से कम और चाहिए होगा ढाई से तीन घंटे और लगेंगे और अभी साढ़े बारह हो गए हैं तो इसका मतलब रात के तीन बज जाएंगे तीन बजे तक मेरे को लगता है कि ये सारे लोग इधर उधर निकल लेंगे दाएं बाएं कोई भी जगेगा नहीं ठीक है और हो सकता है आधे लोगों को नींद नींद में रहे नींद नींद में वो समझ में आए तो यूं करते हैं एक सेकेंड पार्ट लाते हैं इसका ठीक है और सेकेंड पार्ट संडे को ले आता हूं संडे को ले आऊं संडे को दिन में ले लेता हूं इसका सेकंड पार्ट आज क्या तारीख है मैं एक बार कैलेंडर देख लेते हैं तो आज तो रात होगी होगी थर्सडे हो गया फ्राइडे सैटरडे संडे नौ तारीख को इसका एक दिन में सेशन ले लेता हूं ठीक है पार्ट टू करके और रात में तो सेशन रहेगा ही तो एक नौ तारीख को ले लेते हैं और सोलह तारीख को मैं कोशिश कर रहा हूं आप सबके लिए एक बारह घंटे की नॉन स्टॉप क्लास लेने की एन की तो उसमें तो आप लोग जरूर बने रहना मेरे साथ ठीक है जी चले इस टाइम देखो तो रात में नौ बजे वाली जो क्लास होगी ना वो तो क्लास चलेगी वहां पर दूसरे दूसरा चैप्टर कराऊंगा ना रात में कोई दूसरा चैप्टर चलेगा तो इसलिए संडे के दिन दिन में करा देंगे क्या दिक्कत है कोई प्रॉब्लम थोड़ी है लगा देंगे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो और अपना एलवाई लाइव कोड याद रखो यार आप अन का कोर्स लेते हो और एलवाई लाइव कोड नहीं लगाते बड़ा दुख होता है मेरे को भी फिर उसके बाद आप ही परेशान होते हो क्योंकि कोई गाइडेंस तो मिलता नहीं है फिर कोई देता नहीं है फिर फिर कहते हो सर गलती हो गई आप गाइड कर दो तो फिर मैं एथिकली बाउंड नहीं हूं उसके लिए फिर है ना और मैं कहता हूं बिना गाइडेंस के कुछ है ही नहीं मेन चीज गाइडेंस ही है तो उसके लिए आप जब भी कोर्स लें तो पहले ही सोच समझ करके लीजिए ये रेफरल कोड लगाइएगा एल वाई एल आई वीई ठीक -E, है जी एल वाई एल आई वीई ये रेफरल कोड है इस रेफरल कोड को अप्लाई करके कोर्स लेना ठीक है जी एल वाई एल आई वीई आपको एग्जाम पास होने तक गाइड करेंगे कभी भी किसी चीज में परेशान नहीं, नहीं होने देंगे ठीक है प्रॉपर गाइड करेंगे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे लाइफ टाइम आपके साथ जुड़े रहेंगे ठीक है और लाइक शेयर करें यार वीडियो को लाइक शेयर करना भी जरूरी है जितने भी हमारे दोस्त हैं लाइक शेयर जरूर करो यार इसको सेशन को और कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास के बाद की कम, कैसी लगी क्लास मैं आपको तब तक आपके कमेंट्स ले लू कुछ आपके कुछ सवाल जवाब हो तो मैं आपसे बात कर लेता हूं मेरे सारे दोस्तों से क्योंकि क्लास के एंड में एक बार बात करना तो बनता है तो कौन कौन है भाई वेलकम यार राजू काजू काजी तन्नू हिमांशु सौरभ टेक्नोलॉजी कृतिका परितोष अभिनव प्रगति ममता सरीक आदिल क्री सिंघल अवनीश अरुण तनु जर्नी बिफोर कृष्णा विकास यूपीएससी लवर कनिका राय पॉलिटिकल साइंस सोल्जर शकीर अरुण तोमर कृतिका राहुल श्रीवास्तव सरिक अमरोही संजय सिंह सुपर रोहित दत्ता काजी साहब जर्नलिस्ट बिफोर जर्नी बिफोर आई एस पूजा तिवारी गजल परवीन विजय पाठक प्रगति पाटिल बीटीएस जसवंत सिंह राजपूत एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी यूपीएससी लवर नाइस गर्ल करण शाह राहुल मिश्रा अर्पित वर्मा निहाल गुप्ता हिमांशु यदवंशी डॉक्टर ऑफ त्रिपति बालाजी प्रीति कुमारी नैरित्या जयपाल नैरित्या जयपाल दीक्षिता कोट आ, कटोच रोहित दत्ता कनिका राय विजय पाठक विकास देवा ममता सीएल, कामेश्वरी भंडारी सरीक अमरोही सबको थैंक यू यार सबको दिल से धन्यवाद मेहरोज आलम सबको थैंक यू सबको दिल से धन्यवाद सोनम सिंगर सबको थैंक यू सभी का नाम मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से लेने की जितने भी मेरे दोस्त है किसी का नाम छूट गया हो तो यार कर देना इतने सारे एक साथ कमेंट आ गए तो सबको आगे नहीं ले पाया ठीक है जितने भी दोस्त हैं सब सबको थैंक यू सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार रवि और, और कौन नए आए लक्की ठीक है चलिए सबको बहुत सारा प्यार भाई बहुत सारा प्यार और कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं कैसन बा अब कहोगे सर रात में क्या सवाल पूछ रहे हो कैसे होते है? रात में नींद में है आधी नींद में है आधी नींद में होंगे कई सारे लोग बहुत अच्छे हो बहुत बढ़िया मस्त गुड क्या बात है ठीक <laughs> यही ऐसे मस्त रहना चाहिए खुश रहना चाहिए और बिल्कुल एकदम वो रहने चाहिए जज्बे में है जैसे ये भोजपुरी स्टाइल में थे ऐसे हरियाणा में पूछ रहे होते ना हरियाणा में अगर हमारे दोस्त लोग हमसे पूछते कि कैसे हो गांव में जाएंगे तो पूछेंगे छोरा किसे, रे, किसे हा तो हम बोलते एंडी मतलब बहुत बढ़िया यार एंडी हूं है ना एंडी मतलब बहुत बढ़िया इस तरीके से हरियाणवी में बोला जाता है ठीक है और राजस्थानी में जाएंगे ना दादा दादा मेरी मम्मी राजस्थान से उनके पास जाते हैं तो उधर वो पूछते हैं और भाया हालचाल सब बढ़िया वो इस तरीके से पूछते वो भाया करके बोलते है ना तो ऐसे ही मस्त रहना चाहिए एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए और बेहतर ज्यादा मेरे को आता है नहीं है लेकिन जितना आता है उतना कोशिश करते हैं आपसे ठीक है अच्छा बाकी मेरे को इतना आता नहीं है उत्तराखंड में कैसे बोलते मैं ये बता सकता हूं उत्तराखंड में जो कुमाऊनी वाला इलाका है वहां पर अगर पूछेंगे ना क्या करोगे कर? की करमरछा है की करमरछा इस तरीके से बोलते हैं वो <laughs> उसे बताते हैं कि या क्या कर रहे हैं उसका मतलब है क्या कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी मैं चीजें सीखने की कोशिश करता हूं आप सब लोगों से ही, आप सब लोग उसको सिखाते हैं ठीक है यूपीएससी के लिए बेस स्टार्ट करना है पंजाबी में पंजाबी में तो ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट है मुंडिया की हालचाल है इस तरीके से सीधा इस तरीके से बोलते हैं की हालचाल है मुंडा लगा कर गया आवाज और ऐसे होता है तो पंजाबी में इस तरीके से बोला जाता है और गुजराती में बोलते हैं क्या केम छो केम छो है मजामा छो केम छो वो इस तरीके से बोलते हैं बाकी देखो इतना ही जितना बोलना आता है मेरे को और बाकी में चीजें आप सब लोग सिखाएंगे तो सीख लेंगे बंगाली में यार नहीं पता मेरे को कैसे बोलते हैं ठीक है आप लोग सिखाएंगे तो हम सीख लेंगे बाकी सब जगह का नहीं पता अब गाना याद है इसका बंगाली में कहते हैं है ना बंगाली में कहते हैं अमितमा के भालो भासी और पंजाबी में ये गाना है वो इस तरीके से फिल्मों से वो सारी चीजें सीख लेते हैं ना अपन जब कई सारी चीजें तो यही है चलो अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ बातचीत करके देखो और तो कुछ है ही नहीं मेरे को कई बार लगता है कि यहां पर जहां पर मैं रहता हूँ ना काटने को आ रही है दीवार कुछ है ही नहीं कोई है ही नहीं परेशान हो जाते हैं इंसान देखे पता नहीं बरस हो जाता सामने बस कैमरा 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 दिख रहा होता है कैमरे को पढ़ा रहे लिटरली आप सोचो कैमरे को देख करके पढ़ा रहा होता हूं मैं कैमरे को मैं आप लोगों से बात कर लेते हैं फिर अच्छा लगता है कि चलो जिंदा है जिंदगी में और आप सब लोग इतना प्यार से रिस्पॉन्स करते हैं तो ये लगता है कि चलो कुछ तो है लाइफ में हमारे दोस्त तो हैं और कोई ना सही कम से कम आप सब हैं तो आप सबका स्नेह है आप सबका प्यार है आप सबके साथ ऐसे ही हंसी मजाक और प्यार मोहब्बत हम करते रहेंगे ठीक है और बाकी अपनी तरफ से क्लासेस में कोई कमी नहीं आने देंगे जोर जबरदस्ती एकदम बिल्कुल शानदार क्लासेस रेगुलर आपके लिए आती रहेंगी बढ़िया वाली क्लासेस आती रहेंगी अच्छे कंटेंट वाली क्लासेस आती रहेंगी और यकीन मानिए बोर नहीं होने दूंगा क्लास के अंदर हंसी मजाक के साथ कॉन्सेप्ट समझाता चला जाऊंगा कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा लगेगा ठीक है जी चलिए तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में बने रहने के लिए लाइक शेयर करो यार लाइक शेयर तो करते चले जाओ सात सौ आठ सौ आठ सौ हजार लाइक तो होने चाहिए इतना विस्तार से पढ़ाते हैं आपको और अपने दोस्तों तक शेयर करो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला ठीक है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला और ये मेरा रेफरल कोड है इसको मत भूलो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि आप लोग हैं तो मैं हूं आप ही लोगों ने बनाया है आपके ही एक सारी चीजों आपका ही योगदान है ये मेरे को यहां तक लाने में ठीक है तो अपना प्यार ये और भी आगे तक भी बनाए रखना है कि कभी भी आप जब भी अन अकेडमी को ज्वाइन करते हैं जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो ये रेफरल कोड लगाइएगा एल वाई लाइव बाकी किसी तरीके की हेल्प चाहिए मदद चाहिए टेलीग्राम चैनल पर मेरी टीम का नंबर है अन अकेडमी की ऑफिशियल टीम का उनसे बात कर लीजिए डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला डायरेक्ट जाइए ज्वाइन कीजिए बात कीजिए टीम से एडमिशन से पहले मेरे से बात करनी है तो उनको बोलना वो मेरे से भी बात करा देंगे ठीक है और सब्सक्रिप्शन के बाद मैं वन ऑन वन गाइड करूंगा और अब जल्दी ही अपनी भी व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूं मैं अपने पर्सनल व्लॉग स्टार्ट करेंगे तो उस पर्सनल व्लॉग्स में, में मेरा रेगुलर मैं कोशिश करा करूंगा कि डेली किसी ना किसी एक स्टूडेंट से मैं पर्सनली मिलूं तो मैं ट्रैवल करके जाया करूंगा जहां पर भी वो होंगे उनके पास ट्रेवल करते हुए जा करके उनसे मिल करके जो भी चीज होगी उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करके आया करूंगा बहुत सारी चीजें करने वाले हैं एक अपना खुद का व्लॉग स्टार्ट करेंगे तो आपसे और ज्यादा पर्सनली कनेक्ट होंगे कोशिश करेंगे सभी से मैं मिल पाऊं जहां जहां पर भी जाऊं जिधर भी जाऊं जितने लोगों से मैं मिल सकूं वो सारी की सारी मेरी कोशिश रहेगी ठीक है और किसी दिन आप सब लोगों से जल्दी ही चीजें अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही मिलेंगे आप सबसे ठीक है बारी बारी से सबके पास आएंगे सभी के पास मिलेंगे दिल्ली वगैरह जहां जहां पर भी टूर में आऊंगा तो मिलूंगा सबसे आप लोग बस लाइक शेयर करते चले जाइए ठीक है जी लाइक शेयर जरूर करना है आपका कोई भी दोस्त आपका रिश्तेदार जान पहचान वाला कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है आप खुद लेना चाहते हैं तो ये कोड जरूर यूज कीजिएगा एलवाई ठीक है इसी कोड के सहारे ही हमारी भी जिंदगी चलती है नहीं तो और कुछ नहीं है चलिए जी आप सबको थैंक यू बहुत सारी शुभकामनाएं बेस्ट विशेष मेहनत करते रहिए आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस अब रेगुलर मैंने लेनी शुरू कर दी है क्लासेस आप देख ही रहे पिछले चार दिन से सेशन से 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 रेगुलर है संडे हो छुट्टियां हो कोई फर्क नहीं पड़ता ले रहे हैं रेगुलर तो अब सेशन से से रेगुलर लेता रहूंगा सेशन से में कोई रुकावट नहीं आएगी कोई ना कोई बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं आपके लिए कवर करता रहूंगा इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे संडे को और संडे को कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में या आफ्टरनून में मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करा दूं और बाकी रात वाली क्लासेस चलती रहेंगी आप सबको मेरी तरफ से आभारी हूं आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आप सबको क्लास लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला सारे लिंक सारी नोटिफिकेशन वहीं आने वाले हैं अकेडमी ललित यादव की पाठशाला पर ही सब कुछ आने वाला है उसी टेलीग्राम चैनल पर ही सारे चीजें मिलेंगी क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी मेरी इंफॉर्मेशन भी और सारे नोट्स पीडीएफ भी ठीक है जी और ये कोड याद रखिएगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए चलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जय हिंद जय भारत लेट्स क्रैक इट